हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग यूनिट 9 का पार्ट 3 करने वाले हैं, जो कि है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। दो मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं ये क्लियर करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए अनाउंसमेंट है कि वो 1 नवंबर से पहले ज्वाइन कर लें, क्योंकि 1 नवंबर को क्रेश कोर्स लॉन्च हो रहा है और उसके बाद क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी क्रेश कोर्स की 1 नवंबर से, जिसमें उनको पूरा 10 यूनिट का रिविजन, PYQs, मॉक टेस्ट, MCQs और नोट्स, PDF वगैरह सारी चीज़ें उनको मिल जाएंगी उसमें। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रिफरल कोड Aleem10 यूज कर सकते हैं, जिनसे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आज हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पार्ट 3 करेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जो कि है यूनिट 9 का। सो इसमें सबसे पहले आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ये एक तरह का डिजिटल क्राइम है। सो साइबर क्राइम आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम के नाम से भी जाना जाता है। द यूज ऑफ अ कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर इलीगल एंड्स, किसी भी इलीगल एंड्स के लिए, किसी भी क्राइम के लिए अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को साइबर क्राइम कहा जाता है। सच एज कमिटिंग फ्रॉड, ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टीलिंग आइडेंटिटीज आर वायलेटिंग प्राइवेसी। ठीक, तो कई तरह के साइबर फ्रॉड हो सकते हैं, साइबर क्राइम हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि कमिटिंग फ्रॉड, फ्रॉड भी हो सकता है, ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें भी वो भी साइबर क्राइम कहलाएगा। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं किसी के राइटिंग्स, किसी के आइडियाज को अगर आप जो है अपना कह के, अगर आप डिजिटली उसको लेकर और अपना कह के पब्लिश कर रहे हैं तो उसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब एक तरह का फ्रॉड कहेंगे उसको। स्टीलिंग आइडेंटिटीज, किसी की आइडेंटिटीज को आप जो है स्टील कर रहे हैं, और वायलेटिंग प्राइवेसी, अगर आप प्राइवेसी को आप वायलेशन कर रहे हैं तो ये भी साइबर क्राइम में ही आएगा। तो साइबर क्राइम आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम भी कहा जाता है। द यूज ऑफ कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर इलीगल एंड, सच एज कमिटिंग फ्रॉड, ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टीलिंग आइडेंटिटीज और वायलेटिंग प्राइवेसी, ये सारी चीजें आती हैं साइबर क्राइम में।
साइबर क्राइम, साइबर अपराध जिसे कंप्यूटर अपराध भी कहा जाता है। तो साइबर अपराध क्या है जिसे कंप्यूटर अपराध भी कहा जाता है? इसमें सिंपल चीज ये है कि जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अगर कोई क्राइम करते हैं तो उसी को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर अपराध जिसे कंप्यूटर अपराध भी कहा जाता है एक कंप्यूटर का उपयोग एवं उपकरण के रूप में अवैध सिरों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि धोखाधड़ी करना। तो किसी अवैध चीज को पाने के लिए, किसी अवैध लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपराध करने के लिए अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल उपकरण का उपयोग इस्तेमाल करते हैं आप, और उससे आप वो क्राइम करते हैं, वो अपराध करते हैं, तो इसी को साइबर क्राइम कहा जाता है। जैसे धोखाधड़ी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बौद्धिक संपदा की तस्करी करना, बौद्धिक संपदा की तस्करी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप करते हैं तो ये भी क्या है, एक तरह का साइबर क्राइम है। पहचान की चोरी करना, जैसे लोग जो है अलग अलग लोगों की आइडेंटिटीज को चुराते हैं, ठीक, ये भी क्या है, पहचान की चोरी करना भी एक तरह का साइबर क्राइम है। या गोपनीयता का उल्लंघन करना, या गोपनीयता का उल्लंघन करना, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी गोपनीयता को बनाए रखे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो उसको अपराध माना जाता है, और इस गोपनीयता का उल्लंघन अगर कंप्यूटर द्वारा हो रहा है, क्योंकि जनरली गोपनीयता का उल्लंघन कंप्यूटर द्वारा ही हो सकता है या इंटरनेट द्वारा ही हो सकता है, ठीक। तो इस तरह के अपराध को क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है। इस तरह के जितने भी अपराध होते हैं वो साइबर क्राइम के कैटेगरी में आते हैं। तो आप सब लोग कई बार जो है साइबर क्राइम के शिकार हुए होंगे, ठीक, हर कोई होता है, क्योंकि शुरुआत में जानकारी नहीं होती है इसके बारे में, बाद में जानकारी पता चलती है, या बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अभी भी अगर हो रहा हो आपके साथ साइबर क्राइम, आपको पता नहीं चलता है, ठीक। तो बहुत सारे जो है आइडेंटिटीज हैं, खासतौर से गोपनीयता का उल्लंघन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। आपके जो डाटा होते हैं उसको बेच दिया जाता है किसी और को, ठीक। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है साइबर क्राइम में, ठीक। तो साइबर अपराध जिसे कंप्यूटर अपराध भी कहा जाता है, एक कंप्यूटर का उपयोग करके एक उपकरण का उपयोग करके अवैध रूप से लक्ष्य को बढ़ाने के लिए, जैसे कि धोखाधड़ी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बौद्धिक संपदा की तस्करी, पहचान की चोरी करना या गोपनीयता का उल्लंघन करना, ये सारी चीजें साइबर क्राइम में आ जाता है। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, साइबर अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है साइबर क्राइम रेंजेस वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज के जरिए साइबर क्राइम किए जाते हैं, ठीक, और उसी एक्टिविटीज के जरिए आप जो है उसको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो साइबर रेंजेस, साइबर क्राइम रेंजेस वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज के जरिए साइबर क्राइम किए जाते हैं। साइबर अपराध में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, तो बहुत सारी गतिविधियों के जरिए, बहुत सारे कार्यों के जरिए लोग साइबर अपराध करते हैं, और इन कार्यों, इन गतिविधियों के माध्यम से हम इनको अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आता है साइबर क्राइम कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर कैटेगरी। तो साइबर क्राइम को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, तीन अलग अलग, इस बेसिस पे कि उनका अलग अलग एक्टिविटीज कौन कौन सी थी। एक्टिविटीज के बेस पे अगर हम जो है साइबर क्राइम को डिवाइड करते हैं तो इसको तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। साइबर क्राइम कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर कैटेगरीज, तीन मेजर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। साइबर अपराध को मूल रूप से तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। साइबर अपराध को मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। किस बेसिस पे? अलग अलग गतिविधियों के बेसिस पे, ठीक, अलग अलग गतिविधियों के आधार पर इनको तीन अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है साइबर अपराध को। अब ये तीन अलग अलग श्रेणियां कौन सी हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ठीक। इसमें सबसे पहले आता है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्संस लाइक हरासमेंट अकर्स इन साइबर स्पेस आर थ्रू द यूज ऑफ साइबर स्पेस। तो सबसे पहला होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन। अगर किसी पर्सन के खिलाफ साइबर क्राइम हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन।
किसी पर्सन के खिलाफ साइबर क्राइम हो रहा है, जैसे कि हरेसमेंट। खासतौर से गर्ल्स के साथ जो है हरेसमेंट होता है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो साइबर स्पेस का जो यूज करके ठीक क्या किया जाता है, हरेसमेंट किया जाता है। तो इस तरह के अपराध को, इस तरह के साइबर क्राइम को क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन कहा जाता है। सो एक टाइप तो ये हो गया कि अगर आप किसी का हरासमेंट कर रहे हैं, किसी को एपटेजिंग कर रहे हैं आप, ठीक, तो ये क्या है, ये सारी चीजें जो है साइबर क्राइम आती है। जैसे ऑनलाइन आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, ऐसे मैसेज कर रहे हैं जो उन हरासमेंट के कैटेगरी में आता है, ठीक, आप उनके पिक वगैरह पे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो ये सारी चीजें जो है साइबर क्राइम में आती है। हैरेसमेंट का कोई भी एक्टिविटीज जो हैरेसमेंट तक ले जाती हो, यानी कि जो हैरेसमेंट के डेफिनेशन में आती हो, उन सारी एक्टिविटीज को अगर आप साइबर स्पेस के थ्रू करते हैं तो इसको साइबर क्राइम कहा जाता है। ये दोनों तरीके से हो सकता है, एक गर्ल्स जो है वो बॉय को कर सकती है, एक बॉय जो है वो गर्ल्स को कर सकते हैं। हैरेसमेंट दोनों तरफ से होता है, किसी एक तरफ से नहीं होता। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस गर्ल्स आर बीइंग हैरेस्ड, ठीक, तो गर्ल्स को ही हरास किया जाता है ज्यादातर, बॉयज को थोड़ा सा आप उसमें अगर क्वांटिटी की बात करें तो बॉयज का उसमें कम होता है। ठीक, तो साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन लाइक हरासमेंट ऑकर्स इन साइबर स्पेस आर थ्रू द यूज ऑफ साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस के अंदर हो या उसका यूज करके हो, तो इसको साइबर क्राइम कहा जाता है। उत्पीड़न जैसे कि व्यक्तियों के खिलाफ साइबर अपराध साइबर स्पेस में या साइबर स्पेस के उपयोग के माध्यम से होते हैं। तो एक तो साइबर स्पेस में कैसे हो रहे हैं वो आपको पता चल गया, लेकिन साइबर स्पेस के माध्यम से कैसे होता है, जैसे आपने उनका डाटा चुरा लिया वहां से, ठीक, अब उनका एड्रेस वहां पे था, या मतलब किसी भी तरह से वहां पे हो सकता है मोबाइल नंबर उन्होंने ऐड किया हो, आप उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके उनके घर पे फोन कर रहे हैं या और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से उस साइबर स्पेस का यूज करके आप उसके माध्यम से, उसका उपयोग करके उसके माध्यम से आप उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ऐसे अपराध को भी साइबर अपराध में रखा गया है, उत्पीड़न जैसे कि व्यक्तियों के खिलाफ साइबर अपराध। तो साइबर अपराध जो है वो व्यक्तियों के खिलाफ साइबर अपराध, ये पहला टाइप है, पहला प्रकार है जिसमें उत्पीड़न आता है। अगर आप जो है साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके साइबर स्पेस में या साइबर उपयोग के माध्यम से ही, साइबर के उपयोग के माध्यम से अगर आप किसी का उत्पीड़न करते हैं तो ये साइबर अपराध कहलाएगा, ठीक। और ये साइबर अपराध का कौन सा प्रकार है, व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध, ठीक, व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध कहलाता है, ये पहला प्रकार है, ठीक। तो पता चल गया क्या होता है साइबर अपराध, व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध क्या होता है। हरेसमेंट कैन बी सेक्सुअल, रेशियल, रिलीजियस और अदर। तो हरेसमेंट कई तरह के हो सकते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट भी हो सकते हैं, रेशियल हरासमेंट भी हो सकते हैं, रिलीजियस हरासमेंट भी हो सकते हैं, और दूसरे भी अलग टाइप के कास्ट के बेस पे हरासमेंट हो सकता है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट तो सारे लोग जानते हैं कि आप जो है अगर गर्ल्स को जो है कुछ ऐसे वर्ड्स जो है मैसेज करते हैं या उनके पिक्स वगैरह पे ऐसे कमेंट करते हैं, तो वो सारी चीजें हरासमेंट में आ जाती हैं साइबर स्पेस के अंदर, ठीक। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट तो सारे लोग जानते हैं क्या होता है, रेशियल हरासमेंट क्या है, किसी के कलर पे, स्किन कलर पे आप जाके जो है कमेंट कर रहे हैं या जो है स्किन कलर के बेसिस पे उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हरेस कर रहे हैं उसको, तो इसी को क्या कहा जाता है, रेशियल हैरेसमेंट कहा जाता है। रिलीजियस हैरेसमेंट क्या होता है, रिलीजन के बेस पे किसी के रिलीजन को बुरा भला कह रहे हैं, ठीक, या किसी के रिलीजन के बारे में अलग अलग अपशब्द कर रहे हैं, ठीक, बहुत सारी गालियां दे रहे हैं आप साइबर स्पेस के अंदर जाके, ठीक, साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके। तो इस तरह के जो हैरेसमेंट होते हैं उसी को रिलीजियस हैरेसमेंट कहा जाता है। तो हैरेसमेंट कई तरह के हो सकते हैं, तो साइबर स्पेस में भी इसी तरह हैरेसमेंट कई बेसिस पे भी होते हैं, ठीक, चाहे वो सेक्सुअल बेसिस पे होता हो, चाहे वो रेशियल बेसिस पे होता हो, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे होता हो, ठीक, किसी भी बेसिस पे होता है। सो उत्पीड़न यौन, नस्लीय, धार्मिक या अन्य हो सकते हैं, ठीक। तो उत्पीड़न ऐसा नहीं है कि सिर्फ यौन होते हैं, कई तरह के उत्पीड़न हो सकते हैं। यौन उत्पीड़न तो सारे लोग जानते हैं, जैसे आप अगर आप लड़कियों को छेड़ते हैं ऑनलाइन साइबर स्पेस में ही, तो इसको क्या कहेंगे, यौन उत्पीड़न कहेंगे। अब यहाँ पे छेड़ना मतलब ये होता है कि आप उनके पिक पे अलग अलग मतलब खराब कमेंट कर रहे हैं, हरास करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए ऐसे कमेंट कर रहे हैं, या उनके उनके अकाउंट पे आप मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, ठीक,
या पब्लिकली जो है आप उनके खिलाफ जो है खुद आके कुछ बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है यौन उत्पीड़न में आ जाती है। ठीक, नस्लीय क्या है, उसके नस्ल के बेसिस पे, उसके स्किन के कलर, उसके चमड़े के कलर के बेसिस पे आप उसको हरेस कर रहे हैं, उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, तो इसको नस्लीय उत्पीड़न कहा जाता है। धार्मिक उत्पीड़न क्या होता है, आप धर्म के बेसिस पे दूसरे को, अपने धर्म, अगर आप कोई आपके धर्म से अलग है तो उसको आप जो है उसके धर्म के अलग होने की वजह से उसका उत्पीड़न कर रहे हैं और उसके धर्म के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, या धर्म की वजह से, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर धर्म को मानने वाला है, एक क्या कहेंगे, एक विशेष धर्म को मानने वाला है, इस वजह से आप उसको परेशान कर रहे हैं साइबर स्पेस में, तो ये क्या हो जाएगा, धार्मिक उत्पीड़न कहलाए। ठीक, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं साइबर क्राइम में, साइबर अपराध में, और ये पहला प्रकार है जिसको कहा जाता है व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध। ठीक, व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध। दूसरा क्या है, साइबर अगेंस्ट प्रॉपर्टी लाइक कंप्यूटर, रैकेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर प्रॉपर्टीज। अगर आप जो है प्रॉपर्टी के खिलाफ साइबर क्राइम कर रहे हैं, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, साइबर क्राइम के जरिए किसी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, जैसे एंटी वायरस वगैरह होते हैं, या अलग अलग स्पाइवेयर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें जो है ये प्रॉपर्टी के खिलाफ साइबर अपराध कहलाती है। ठीक, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी लाइक कंप्यूटर रैकेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर प्रॉपर्टीज। ठीक, संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध क्या होता है, अगर आप अपराध कर रहे हैं, ऐसे ऐसा अपराध कर रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति की संपत्ति पर असर पड़ रहा हो, किसी व्यक्ति के संपत्ति का नुकसान हो रहा हो, तो इसको संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध कहा जाता है। संपत्ति के विरुद्ध, जैसे आपने साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके किसी के अकाउंट से पैसा निकाल लिया, ये सारी चीजें क्या है, संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध। ठीक, संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध, जैसे कंप्यूटर का मलबा, दूसरों की संपत्ति का विनाश। ठीक, दूसरों की संपत्ति का विनाश अगर आप करते हैं तो ये क्या है, संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध कहलाए। ट्रांसमिशन ऑफ हार्मफुल प्रोग्राम, अगर आप किसी हार्मफुल प्रोग्राम को ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐप्स वगैरह आते हैं, अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल में उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को खराब कर देता है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक, तो इस तरह के प्रोग्राम को भी ट्रांसफर करना क्या है, साइबर अपराध में आता है, साइबर क्राइम में आता है, और ये साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आता है। ठीक, ट्रांसमिशन ऑफ हार्मफुल प्रोग्राम्स, अथोराइज ट्रेस पासिंग, अनऑथराइज पोजिशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। तो क्या है, हानिकारक कार्यक्रमों का प्रसारण करना, ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण करना जो हानिकारक हो, ठीक, जिससे कंप्यूटर या मोबाइल को नुकसान हो सकता हो, अनाधिकृत अतिक्रमण करना, ठीक, कंप्यूटर जानकारी का अधिकृत कब्जा। ठीक, तो अनऑथराइज ट्रेस पासिंग यानी कि आपको परमिशन नहीं दी गई, लेकिन आप जो है उन, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे सारी परमिशन लेता है, अगर वो परमिशन ऐसी है जो आपने दे दिया, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आप परमिशन नहीं देते हैं, फिर भी वो प्रोग्राम उस चीज को यूज करता है, तो ये क्या है, अनऑथराइज ट्रेस पासिंग होता है, अनऑथराइज पोजेशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। आपने जो है उस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन निकाल ली जो अनऑथराइज, ठीक, क्योंकि आप जो है उससे परमिशन लेके उसके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे। ठीक, तो जब भी आप एप्लीकेशन, मोबाइल में भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपसे सारी चीज की परमिशन मांगता है, एक उस चीज को अथोराइज करने के लिए, तो आपसे कैमरे की परमिशन मांगेगा, कैमरे की परमिशन मीन्स आपको फोटो वगैरह सारी चीज की इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, अनऑथराइज ट्रेस पासिंग, अनऑथराइज पजेशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आ जाती है। हानिकारक कार्यक्रमों का प्रसारण करना, अनाधिकृत अतिक्रमण, कंप्यूटर जानकारी का अधिकृत कब्जा करना, यानी कि बगैर जानकारी दिए, बगैर उस व्यक्ति को पता हुए, बगैर आप जो है कंप्यूटर की जानकारी लेते हैं, तो ये भी संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध कहलाए। ठीक, हाँ, ये केसेस हर घर में एक ना एक बार होता ही है, क्योंकि एक ये लोग बहुत नए नए तरीके से अपराध करते हैं। एक अपराध अगर, मतलब एक तरीका अगर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, फिर ये लोग अपना तरीका चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनका काम ही है, वो दिन भर वही करते रहते हैं कि किस तरह से पैसा निकलवाना है, तो वो किसी ना किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से वो
पैसा निकालते रहते हैं। ओल्ड मेथड अगर हमेशा वो यूज करते रहेंगे, एक ही मेथड यूज करते रहेंगे तो क्या होगा, उसके बेसिस पे जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैल जाती है, लोग जानने लगते हैं। जैसे पहले कॉल वगैरह आती, कॉल आती थी तो ये होता था कि आपका मतलब फलां बैंक से हम बोल रहे हैं और आपका डेबिट कार्ड जो है बंद होने वाला है, तो हमको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपका नंबर ले लिया, सीवीवी नंबर ले लिया, उसके बाद कहेगा कि ओटीपी आया, वो भेज दीजिए, उससे जो है पैसा निकाल लिया जाता है। धीरे धीरे लोग जो है जानने लगे इसके बारे में, मतलब बैंक वगैरह भी इसके बारे में बताने लगे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी किए गए इसको लेकर, तो धीरे धीरे लोग जानने लगे, तो वो अलग तरीका अब इस्तेमाल करने लगे। बहुत सारे ऐप के जरिए वो ले लेते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए से ये आपके पैसे पे हमेशा नजर रखते हैं और हमेशा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो वो कैसा हो सकता है, साइबर टेररिज्म। अगर टेररिज्म हो रहा है, साइबर क्राइम यानी कि जैसे आपने गवर्नमेंट की साइट को हैक कर लिया, तो ये क्या है, एक तरह का साइबर टेररिज्म है। साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी साइबर क्राइम होता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपने जो है ईमेल का इस्तेमाल करके एक टेरर मैसेज भेजा है तो ये भी साइबर टेररिज्म में आता है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि ईमेल के थ्रू बंद मैसेज आया कि मतलब एक सिटी को पूरा बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, ये सारी चीजें क्या है, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट होती है। ठीक, जिसमें हम लोग जो है गवर्नमेंट को इसका शिकार बनाते हैं, जो भी साइबर टेररिस्ट होते हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट को इसका शिकार बनाते हैं। चाहे उनकी साइट्स को का इस्तेमाल करते हैं, चाहे थ्रेट्स भेजकर ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ये किसी भी तरह से वो एक थ्रेट्स भेजते हैं, ये भी किसमें आ जाता है, साइबर टेररिज्म में आ जाता है। तो ये तीसरा टाइप है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, लाइक साइबर टेररिज्म। साइबर आतंकवाद जैसे सरकार के खिलाफ साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद जैसे सरकार के खिलाफ साइबर अपराध, ये क्या हो जाएगा, अब सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे सरकार का नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। साइबर अपराध सरकार के खिलाफ साइबर अपराध कहा जाता है, ये तीसरा प्रकार। मिनट ये तीन प्रकार के साइबर क्राइम हैं, साइबर क्राइम के तीन टाइप्स हैं, साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध, संपत्ति के खिलाफ साइबर अपराध, और तीसरा है सरकार के खिलाफ साइबर अपराध। तो ये तीनों प्रॉपर्टी, तीनों तीनों टाइप्स आपको, तीनों प्रकार आपको पता होने चाहिए साइबर अपराध के। नेक्स्ट मूव करते हैं साइबर क्राइम इन इंडिया, इंडिया में साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में साइबर अपराध, तो फाइनेंशियल फ्रॉड अकाउंटेड फॉर ओवर 75% ऑफ साइबर क्राइम। तो जितने भी साइबर क्राइम होते हैं इंडिया में उसका 75% जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड है। ठीक, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि जिसमें पैसों का फ्रॉड होता है। इन द कंट्री
फ्रॉम जनवरी 2020 टिल जून 2023, तो ये लेटेस्ट डाटा है जून 2023 तक का, 2020 से 2023 तक का डाटा निकाला गया था, ठीक, जनवरी 2020 से जून 2023 तक का डाटा निकाला गया है, जिसमें ये पाया गया है कि इंडिया में जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसका 75% जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, यानी कि पैसे को लेकर फ्रॉड होता है। आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं या आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं। बहुत से तरीके होते हैं, आपने देखा होगा लॉटरी का आजकल बहुत चलता है कि आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपने इस लॉटरी में हिस्सा लिया था, इसलिए आप जो है इसको जीत चुके हैं, जिसमें आपको 35 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें क्या होता है, आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो सोचते हैं 35 लाख तो मिल ही रहा है, 2-4 हजार पे करने में क्या जा रहा है, तो वो 2-4 हजार पे कर देते हैं उनको और फिर वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। रिसेंटली क्या है, एक नया फ्रॉड चला है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडीज बनाकर, फेक आईडी बनाकर और उसके थ्रू पैसे मांगे जा रहे हैं। ठीक, फेक आईडी बनाकर उसके थ्रू पैसे मांगे जा रहे हैं, इससे जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, ठीक, जो आपके जो है फॉलोअर हैं, उन सबसे पैसे मांगे जाते हैं। ठीक, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप या तो हैक करके आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया जाता है, फिर उसमें जो जिससे आपकी ज़्यादा बातचीत होती रहती है इंस्टाग्राम में, उसको मैसेज करके पैसे मांगे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि ऐसा लगता है कि आप मांग रहे हैं और वो भेज देता है। सो, इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं फ्रॉड के। रिसेंटली बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के क्राइम बढ़ चुके हैं। ठीक, अभी क्या हो रहा है, लोग AI का इस्तेमाल करने लगे हैं फ्रॉड में, फाइनेंशियल फ्रॉड में लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी आवाज़ को कॉपी कर लेते हैं, फिर आपकी आवाज़ में जो है वो फोन करते हैं आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड सर्कल में, उसके बाद उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो सेम ऐसा लगता है कि आप ही बात कर रहे हैं लेकिन वो फ्रॉड होता है। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे अपराध बढ़ चुके हैं और इंडिया में 2020 से लेकर 2023 तक अगर हम लोग डाटा निकालते हैं तो तकरीबन 75% जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं। और तकरीबन हर कोई, हर फैमिली जो है इस फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो चुकी है, एक ना एक बार तो होती है। बहुत ज्यादा अवेयर अगर आप हैं तो हो सकता है ना हुआ हो आपके साथ, लेकिन ज्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि चाहे 2-4 ही रुपए गए हों लेकिन जाते हैं। तो साइबर क्राइम इन इंडिया, फाइनेंशियल फ्रॉड अकाउंटेड फॉर ओवर 75% ऑफ साइबर क्राइम्स इन द कंट्री फ्रॉम जनवरी 2020 टिल जून 2023। जनवरी 2020 से लेकर जून 2023 का डाटा है। ठीक, भारत में साइबर अपराध जनवरी 2020 से जून 2023 तक देश में 75% से अधिक साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी के कारण हुए हैं। तो जितने भी साइबर अपराध हुए हैं जनवरी 2020 से लेकर जून 2023 तक, उसमें तकरीबन 75% साइबर अपराध ऐसे थे जो वित्तीय साइबर अपराध थे, यानी कि वित्तीय वित्त से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर ये साइबर अपराध किए गए। ठीक, तो आपने, आपको जानकारी होगी बहुत सारे ऐसे साइबर अपराध के तरीकों के बारे में, बहुत सारे तरीकों से ये लोग अपराध करते हैं। रिसेंटली जो है फ्लिपकार्ट अमेजन की मतलब कस्टमर केयर बन के ये लोग अपराध करने लगे थे। ठीक, फिर उन लोगों ने थोड़ा सा अवेयरनेस चलाई कि नहीं, हम लोग ऐसी कॉल नहीं करते हैं, ठीक, या हम कभी OTP नहीं मांगते हैं। बैंक ने बहुत मैसेज किया अपने कस्टमर को कि बैंक आपसे कभी OTP नहीं मांगता है, कभी आपसे CVV नहीं मांगता है। तो ऐसे अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, गवर्नमेंट के जरिए भी इसको लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है, लेकिन फिर भी अपराध के तरीके बदल बदल के अपराध होते रहते हैं। ठीक, तो भारत में जितने भी साइबर अपराध हुए हैं जनवरी 2020 से लेकर जून 2023 तक, उसका 75% जो है वो वित्तीय धोखाधड़ी का अपराध है। नियरली 50% यूजेस रिलेटेड टू UPI एंड इंटरनेट बैंकिंग। और ये जो जितने वित्तीय अपराध हुए हैं, जितने फाइनेंशियल क्राइम हुए हैं, फाइनेंशियल बेसिस पे जो भी क्राइम हुए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड जो हुए, जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, उसका 75% किसको लेकर हुए हैं, UPI को लेकर और इंटरनेट बैंकिंग को लेकर हुए हैं। ठीक, यानी कि UPI के थ्रू हुए हैं या तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हुए हैं।
कई बार हुआ है, मतलब कई बार लूट चुके हैं। नियरली 50% केसेस रिलेटेड टू यूपीआई एंड इंटरनेट बैंकिंग। तो जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उसमें ज्यादातर जो 50% केसेस हैं वो यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होते हैं। तो यूपीआई चलने की वजह से बहुत सारे फायदे भी हुए हैं और इंटरनेट बैंकिंग की वजह से बहुत सारे फायदे भी हुए हैं, लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि फाइनेंशियल फ्रॉड के ज्यादातर शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे जाके, तो वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं होता है। ठीक, बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसके जरिए आप अपना बैलेंस चेक करने की कोशिश करते हैं, आप उनको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसा लगता है आपको कि वो बैंक का ऐप है, लेकिन सारी डिटेल आप प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो फ्रॉड निकलता है और आपके सारे पैसे उसमें से निकल जाते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिनको आप ये समझते हैं कि ये यूपीआई ऐप है, आप डाउनलोड करते हैं, फिर उसमें सारी डिटेल देते हैं, उसके बाद वो आपके सारे पैसे ले लेता है। हाँ, इसी तरह करते हैं, फोन करके बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं, या डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, इस तरह की बहुत सारे डिटेल्स आपसे लिए जाते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी बाय एन आईआईटी कानपुर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप। ठीक, तो ये जो स्टडी हुई थी ये आईआईटी कानपुर के जरिए की गई थी। ठीक, उन्होंने ये स्टडी किया था कि तकरीबन 75% जो फ्रॉड है वो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, और उसका 50% जो है वो यूपीआई और इंटरनेट के थ्रू होता है। ठीक, आईआईटी कानपुर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के एक नए अध्ययन के अनुसार, तो आईआईटी कानपुर में ये अध्ययन हुआ था इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के माध्यम से। ठीक, और उसके अनुसार ये बताया गया कि लगभग 50% मामले जो है वो यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है। तो यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग किससे संबंधित है ये सारे मामले, तो 50% मामले ऐसे हैं। कई बार क्या होता है कि आपके यूपीआई पे ये लोग, मतलब एक फ्रॉड होता है कि आपको फोन आता है कि आपके यूपीआई नंबर पे इतने पैसे भेजे जा रहे हैं, आप जो है ये जीत चुके हैं, फिर उसमें क्या होता है वो रिक्वेस्ट करते हैं पेमेंट के लिए और आप देख नहीं पाते हैं, वो कहेंगे पे करिए, उसके बाद अपना पासवर्ड लगाइए। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो कर देते हैं। तो इस तरह के भी फ्रॉड बहुत सारे हुए, मतलब कहने का ये है कि फ्रॉड के तरीके बहुत सारे हैं। अगर आप एक फ्रॉड के बारे में अवेयर होते हैं तो दूसरा फ्रॉड आपके पास आ जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। खासतौर से एआई की वजह से बहुत सारे फायदे हुए हैं, लेकिन एआई की वजह से बहुत सारे फ्रॉड भी बढ़ने के चांसेस। साइबर फ्रॉड जो है वो, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मतलब इस देखिए डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 75% या 50%। जनरली फ्रॉड हो सकता है आपको दे दिया जाए कि ये फ्रॉड है, इसमें से कौन सा साइबर फ्रॉड है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा। डाटा मैंने इसमें इसलिए ऐड कर दिया कि ये आपके फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, सेकंड पेपर में तो आपसे डाटा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि साइबर फ्रॉड कौन कौन से हैं, उसके टाइप कौन कौन से हैं, या उसके जो है लॉज कौन कौन से हैं। लेकिन डाटा जो है आपका फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट पेपर की भी है, इसीलिए मैंने इसमें डाटा भी ऐड कर दिया। वरना डाटा ऐड नहीं किया जाता अगर सिर्फ सेकंड पेपर हमको पढ़ना होता तो। तो साइबर क्राइम के हो सकता है आपके पास आपको टाइप दे दिया जाए और इसमें बोला जाए कि इसमें कौन सा टाइप का साइबर क्राइम नहीं है। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मीन्स टाइप से, टर्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे जो है सेकंड पेपर में डाटा पूछना बहुत मुश्किल लॉज ऑन क्राइम, क्राइम की जो साइबर क्राइम है उससे रिलेटेड लॉज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सेकंड पेपर में भी लॉज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे लॉज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में भी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड भी लॉज के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसीलिए लॉ हम लोग पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए ये मतलब जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। लॉज ऑन साइबर क्राइम, साइबर अपराध पर कानून कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है साइबर क्राइम्स अंडर द आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट में साइबर क्राइम से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं,
ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक, यानी कि कंप्यूटर के जरिए कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उसका टेम्परिंग आप करते हैं तो आईटी एड सेक्शन 65 के तहत ये क्राइम होता है। ठीक, सेक्शन 65 के तहत अगर आप टेम्परिंग करते हैं कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कंप्यूटर से कुछ डॉक्यूमेंट्स आप चुराते हैं, उसको टेम्पर करते हैं, इस तरह के अपराध को आईटी एक्ट के सेक्शन 65 से डील किया जाता है। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि ऐसे दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करते हैं जो कंप्यूटर के जरिए मिलते हैं, तो इसके इसको जो है आईटी अधिनियम की धारा 65 के तहत इसको अपराध माना जाता है। हैकिंग विद कंप्यूटर, अगर आप जो है कंप्यूटर के साथ हैक करते हैं, हैकिंग वगैरह करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैक करते हैं, डाटा अल्टरेशन करते हैं, तो ये सारी चीजें सेक्शन 66 से आती है। ठीक, आईटी एक्ट, ये सब सब जो है हम लोग आईटी एक्ट अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, सो आईटी एक्ट के सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप हैकिंग करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, डाटा अल्टरेशन करते हैं, तो ये अपराध माना जाता है आईटी एक्ट सेक्शन 66 के तहत। कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग करते हैं, डेटा में परिवर्तन करते हैं, यानी कि डेटा चेंज कर देते हैं, तो इसको आईटी अधिनियम धारा 66 के तहत जो है ये अपराध माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है पब्लिशिंग ऑप्शंस इंफॉर्मेशन सेक्शन 57। अगर आप जो है ऑप्शंस इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं तो ये सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग जो है ये अपराध माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं। पहला सेक्शन 65 है जो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट है, फिर आता है सेक्शन 66 हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम डाटा अल्टरेशन, फिर आता है सेक्शन 67 आईटी एक्ट सेक्शन 67 पब्लिशिंग ऑप्शंस इंफॉर्मेशन। अगर आप जो है ऑप्शंस इंफॉर्मेशन यानी कि अश्लील जानकारी प्रकाशित करते हैं तो ये आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत ये अपराध माना जाता है। ठीक, अनऑथराइज एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम, अगर कोई प्रोटेक्टेड सिस्टम है और उसमें अनऑथराइज एक्सेस होता है, यानी कि कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जो है अनऑथराइज एक्सेस करती है किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम में, तो उसको सेक्शन 70 के तहत आईटी एक्ट के सेक्शन 70 के तहत क्राइम माना जाता है। सुरक्षित सिस्टम सिस्टम धारा 70 तक अधिनियम, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ है, यानी कि अगर सुरक्षित सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच होती है तो इसको धारा 70 के तहत अपराध माना जाता है। ठीक, अगर सुरक्षित सिस्टम में अनधिकृत पहुंच के तहत पहुंच की जाती है, सुरक्षित सिस्टम में अनधिकृत पहुंच की जाती है, तो इसको धारा 70 के तहत यानी कि आईटी अधिनियम धारा 70 के तहत इसको अपराध माना जाता है। धारा 72 यानी कि सेक्शन 72 क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, अगर किसी की प्राइवेसी किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी से आप जो है खिलवाड़ करते हैं, यानी कि उसको वो उसको जो है उसका उल्लंघन करते हैं, तो इसको सेक्शन 72 के तहत आईटी एक्ट सेक्शन 72 के तहत इसको अपराध माना जाता है। गोपनीयता और गोपनीयता का उल्लंघन, ठीक, अगर आप किसी की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं, किसी की प्राइवेसी से छेड़छाड़ करते हैं, तो आईटी अधिनियम धारा 72 के तहत इसको अपराध माना जाता है। पब्लिशिंग फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, अगर जो है फॉल्स सर्टिफिकेट आप पब्लिश करते हैं और वो भी जो है फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, डिजिटली उसको साइन करके फॉल्स सर्टिफिकेट आप पब्लिश करते हैं, तो इसको भी आईटी एक्ट की सेक्शन 73 के तहत क्राइम माना जाता है। झूठे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्रकाशित करना धारा 73 के तहत इसको अपराध माना जाता है। तो अगर आप जो है झूठे डिजिटल हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र प्रकाशित करते हैं तो इसको आईटी अधिनियम धारा 73 के तहत अपराध माना जाता है। नेक्स्ट आता है आईपीसी में साइबर क्राइम को कैसे डील किया गया। साइबर क्राइम अंडर आईपीसी एंड स्पेशल लॉज, स्पेशल लॉज और आईपीसी में साइबर क्राइम को कैसे इसके खिलाफ मतलब अधिनियम बने हुए हैं या एक्ट बने हुए हैं। तो साइबर क्राइम्स अंडर आईपीसी एंड स्पेशल लॉज, सबसे पहला है सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज बाय ईमेल, अगर आप ईमेल के जरिए या किसी भी जरिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप मैसेज सेंड करते हैं, वो भी थ्रेटनिंग मैसेज यानी कि धमकी देने वाला मैसेज अगर आप
भेजते हैं तो सेक्शन 503 आईपीसी के तहत ये अपराध माना जाता है। ठीक, सेक्शन 503 आईपीसी, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के तहत इसको अपराध माना जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है, थ्रेटनिंग मैसेज आता है, तो आप इसके थ्रू FIR दर्ज करा सकते हैं। ठीक, ईमेल द्वारा धमकी भरे संदेश भेजना, ईमेल द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली ईमेल द्वारा ही धमकी भरे संदेश आते हैं। किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आपके पास धमकी भरे संदेश आते हैं तो आप जो है धारा 503 आईपीसी के तहत यानी कि भारतीय दंड संहिता जो है उसके तहत आप धारा 503 के तहत इसमें FIR कर सकते हैं। सेंडिंग डिफेमेटरी मैसेज बाई ईमेल, डिफेमेटरी यानी कि किसी को बदनाम करने के लिए अगर आप ईमेल के जरिए मैसेज भेजते हैं तो ये सेक्शन 499 आईपीसी के तहत ये अपराध माना जाता है, क्राइम माना जाता है। सेंडिंग डिफेमेटरी मैसेज यानी कि किसी को बदनाम करने के लिए, किसी के को बदनाम करने के लिए अगर आप ईमेल के जरिए या किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आप मैसेज सेंड करते हैं और वो डिफेमेटरी मैसेज है तो इसको सेक्शन 499 के तहत, आईपीसी के सेक्शन 499 के तहत इसको अपराध माना जाता है। ईमेल द्वारा मान हानिकारक कारक संदेश भेजना यानी कि किसी भी जरिए, चाहे वो ईमेल हो चाहे किसी भी संदेश के जो भी एप्स वगैरह आते हैं उनके जरिए अगर आप मान हानिकारक संदेश भेजते हैं तो ये धारा 499 आईपीसी के तहत ये अपराध माना जाता है। एक धारा 499 आईपीसी के तहत ये अपराध माना जाता है। फॉर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 463 आईपीसी यानी कि अगर आप जो है जालसाजी करते हैं, बेचते हैं, उसमें मतलब कुछ गड़बड़ करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उसमें अगर आप किसी तरह का गड़बड़ करते हैं यानी कि फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं या और भी बहुत सारी चीजें करके उसको उसकी फ्रॉजरी करने लगते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं तो इसको सेक्शन 463 आईपीसी के तहत इसको क्राइम माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी धारा 463 आईपीसी यानी कि 463 धारा 463 आईपीसी की धारा 463 के तहत अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जालसाजी करते हैं तो इसके तहत इसको अपराध माना जाता है। बोगस वेबसाइट साइबर फ्रॉड, बोगस वेबसाइट यानी कि फेक वेबसाइट बनाते हैं, जैसे बीच में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट चली थी, जैसे अप्लीकेशन फॉर्म जब निकलते हैं अलग अलग जॉब्स के लिए, जब अप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं तो उस वक्त ये बोगस वेबसाइट बहुत एक्टिव होती है क्योंकि लोग ढूंढते रहते हैं अप्लाई करने के लिए, तो ये बोगस वेबसाइट क्या है, सेम हूबहू ऐसी वेबसाइट बना देते हैं, फिर आपको वो फॉर्म भरवा कर पेमेंट तक ले जाते हैं। पेमेंट आप करते हैं तो आपको लगता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन ये जो है आपके साथ फ्रॉड होता है। ठीक, तो जब भी आप कभी भी अप्लीकेशन करें किसी भी जॉब के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अप्लीकेशन करते हैं तो आप जो है वेबसाइट का ध्यान रखें। अगर पेमेंट करना है आपको, किसी भी तरीके का पेमेंट करना है तो आप वेबसाइट का ध्यान रखें और ऑफिशियल पेज से ही वेबसाइट निकालने की कोशिश करें। ठीक, जो जेन्युइन वेबसाइट हो उसी पे पेमेंट करने की कोशिश करें और उसको बार बार जांच लें कि क्या ये जेन्युइन वेबसाइट है या बोगस वेबसाइट है। तो बोगस वेबसाइट अगर कोई बनाता है या साइबर फ्रॉड करता है तो सेक्शन 420 आईपीसी के तहत इसको अपराध माना जाता है, 420 के तहत। ठीक, फर्जी वेबसाइटें साइबर धोखाधड़ी धारा 420 आईपीसी के तहत। ठीक, तो 420 आईपीसी के तहत अगर कोई साइबर धोखाधड़ी करता है या फर्जी वेबसाइट वगैरह बनाता है तो उसको अपराध माना जाता है, 420 धारा 420 आईपीसी के तहत। ठीक, तो ये सारे जो है टर्म्स थे आईपीसी के यानी कि भारतीय दंड संहिता के, इंडियन पिनल कोड के। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, नहीं अभी भी बचा हुआ है, ईमेल स्पूफिंग। ठीक, ईमेल स्पूफिंग सेक्शन 463 आईपीसी, ईमेल स्पूफिंग धारा 463 आईपीसी के तहत इसको अपराध माना जाता है। ठीक, धारा 463 के तहत इसको अपराध माना जाता है। 1 मिनट,
ठीक है, तो ईमेल स्पूफिंग के तहत अपराध सेक्शन 463 आईपीसी में है। ईमेल स्पूफिंग द्वारा जो है, अगर आप इस ईमेल स्पूफिंग करते हैं तो ये धारा 463 भारतीय दंड संहिता के तहत इसको अपराध माना जाता है। वेब जैकिंग सेक्शन 383 आईपीसी के तहत इसको अपराध माना जाता है। वेब जैकिंग अनुभाग 363। ईमेल अब्यूज यानी कि ईमेल का गलत इस्तेमाल करते हैं आप, तो इसको जो है सेक्शन 500 आईपीसी के तहत इसको अपराध माना जाता है। ईमेल का दुरुपयोग करते हैं आप, धारा 500 आईपीसी के तहत इसको अपराध माना जाता है। ठीक, तो ये सारे आईपीसी के कानून थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, साइबर क्राइम अंडर द स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट के अंदर साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं, विशेष अधिनियमों के अंतर्गत साइबर अपराध कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स अंडर नार्कोटिक ड्रग्स ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक, तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ये है पहले से। ठीक, उसमें अगर आप ऑनलाइन करते हैं, एक तो आप ड्रग्स का सेल करते हैं, ठीक, तो ड्रग्स का सेल क्या है, इलीगल है। ठीक, ड्रग्स का सेल क्या है, इलीगल है। अगर आप उसको ऑनलाइन सेल करते हैं तो ये साइबर क्राइम के स्पेशल एक्ट में आता है। ठीक, एनडीपीएस लगता है। एनडीपीएस क्या है, एनडीपीएस का फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक, एनडीपीएस से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, एनडीपीएस से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनडीपीएस का जो एक्ट है, अगर आप जो है उसको ऑनलाइन करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, साइबर, वो जो है साइबर क्राइम के स्पेशल एक्ट में आता है। वेब चेकिंग कहते हैं जब आप किसी वेब को हैक कर लें, या मतलब उस पे कब्जा करके आप उसका इस्तेमाल करने लगे तो उसी को वेब चेकिंग कहा जाता है। जैसे आपने किसी किसी भी वेब वेबसाइट को कब्जा कर लिया, फिर उसमें अलग अलग तरह के मैसेजेस कर रहे हैं या अलग अलग तरीके से उस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी को वेब चेकिंग, एक तरह से वेब हैकिंग कह सकते हैं उसको। ठीक, वेब हैकिंग से मिलता जुलता ही है वो। सो ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो एनडीपीएस जो एक्ट है उसके तहत अगर आप ऑनलाइन ड्रग्स सेल करते हैं तब भी आपको वैसी ही सजा मिलेगी। ठीक, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत दवाओं की ऑनलाइन बिक्री, अगर आप जो है इस तरह की दवाओं, इस तरह के ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री करते हैं तो उसको आपको एनडीपीएस के तहत आपको सजा मिलेगी। ऑनलाइन सेल ऑफ आर्म्स एक्ट। ठीक, जो आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट क्या है, आर्म्स एक्ट है कि अगर आप जो है इलीगल सेल करते हैं आर्म्स वगैरह का, औजार वगैरह का, ठीक, तो उसमें क्या है, आपको सजा हो सकती है। अगर वो आप ऑनलाइन करते हैं तो वो आपका साइबर क्राइम में आ जाता है। आर्म्स एक्ट यानी कि औजार की ऑनलाइन बिक्री अगर आप करते हैं तो ये आर्म्स एक्ट के तहत इसमें सजा मिलती है। अब वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो आर्म्स एक्ट के जो साइबर अपराध का विशेष अधिनियम है उसके तहत आपको सजा मिलती। ठीक, तो यहां तक हम लोग साइबर क्राइम कर चुके हैं। एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है साइबर क्राइम में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने साइबर क्राइम के डेफिनेशन पढ़ा है। साइबर क्राइम के डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में हमने तीन तरह के साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा है, साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, साइबर क्राइम अगेंस्ट property and cyber crime against government। हाँ, डाटा चोरी का भी है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी उसके उससे रिलेटेड कि अगर आप डाटा चोरी करते हैं तो उससे रिलेटेड भी, आइडेंटिटी से रिलेटेड भी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डाटा चोरी किन चीजों में आती है। ठीक, स्पूफिंग वगैरह ये सारी चीजें, फिशिंग है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे। साइबर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम हो गया, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है साइबर क्राइम इन इंडिया, लॉज
उससे रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो लॉज हैं, चाहे वो आईपीसी में हो, स्पेशल एक्ट में हो या आईटी एक्ट में हो, वो सारे लॉज हम लोगों ने पढ़े हैं। सोर्स विलेंस अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, हम लोग अभी साइबर क्राइम को पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो इसमें एक टाइप्स आता है साइबर क्राइम का, फ्रीकिंग। फ्रीकिंग क्या है? एक वेज है साइबर साइबर क्राइम का, ठीक। फ्रीकिंग क्या है? एक तरीका है साइबर क्राइम का, फ्रीकिंग होती है उसमें, ठीक। फ्रीकिंग आल्सो नोन एज फोन फ्रीकिंग, ठीक। फ्रीकिंग को फोन फ्रीकिंग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीकिंग आल्सो नोन एज फोन फ्रीकिंग, फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ टेलीफोन सिग्नलिंग इन ऑर्डर टू मेक फ्री फोन कॉल। तो पहले जो जब फोन कॉल शुरुआत में आया था, ठीक, तो उस वक्त क्या हुआ था, लोग जो है जो सिग्नल होते थे उसमें कुछ मतलब मैनिपुलेशन करते थे ताकि उनको जो है फ्री फोन कॉल जो है अलाउ हो जाए। अभी तो सारी कंपनी जो है फ्री फोन कॉल करती है, अनलिमिटेड कॉल्स दी जाती हैं, तो इतना ये अपराध अब नहीं चलता है, ठीक। तो फ्रीकिंग कहते हैं कि जब आप जो है सिग्नल का मैनिपुलेशन इस तरह करते हैं ताकि आप फ्री कॉल कर सकें। तो शुरुआत में जब मोबाइल फोन वगैरह चला था तो उसको पैसे बहुत लगते थे कॉल करने के लिए, तो लोग जो है वो क्या करते थे, फ्रीकिंग करते थे। फ्रीकिंग मीन्स सिग्नल में कुछ मैनिपुलेशन करते थे, उसकी वजह से उनकी कॉल लग जाती थी और फ्री में वो बात कर सकते थे। तो इस तरह के क्राइम को फ्रीकिंग कहा जाता है, ठीक। सो फ्रीकिंग आज तो नहीं पाई जाती क्योंकि अब जनरली सारी कंपनियां जितनी भी कंपनियां हैं, नेटवर्किंग साइट्स जितनी भी हैं, वो सारी जो है फ्री, आपको नेटवर्किंग कंपनी जितनी है वो सारी आपको फ्री अनलिमिटेड कॉल्स प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से अब फ्रीकिंग बहुत कम हो गई, ठीक। फ्रीकिंग आल्सो नोन एज फोन फ्रीकिंग, फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ टेलीफोन सिग्नलिंग इन ऑर्डर टू मेक फ्री फोन कॉल। तो टेलीफोन का जो सिग्नल था उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन होता था, यानी कि उसमें कुछ फ्रॉड किया जाता था जिसके जरिए फोन कॉल फ्री हो जाती थी, तो इसी को फ्रीकिंग कहा जाता है। डरपोक हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, वैसे तो फ्रीकिंग ही कहेंगे क्योंकि ये नाम है, ठीक। फ्रीकिंग जिसे फोन फ्रीकिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रीकिंग क्या है, जिसे फोन फ्रीकिंग के नाम से भी जाना जाता है, मुफ्त फोन कॉल करने के लिए टेलीफोन सिग्नलिंग में कपटपूर्ण हेर फेर करना, यानी कि टेलीफोन को जो सिग्नल है उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करते हैं ताकि मतलब उसका जो सिग्नल है उसमें हेर फेर करके फ्री कॉल करने के लिए, मुफ्त कॉल करने के लिए, मुफ्त फोन कॉल करने के लिए फ्रीकिंग की जाती है, ठीक। हैक इनटू टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, तो इसमें क्या किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हैकिंग की जाती है, हैक किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को, स्पेशली टू ऑब्टेन फ्री कॉल्स, क्या करने के लिए, फ्री कॉल्स पाने के लिए, ठीक। स्पेशली टू ऑब्टेन फ्री कॉल, फ्री कॉल्स पाने के लिए हैक किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को। दूर संचार प्रणालियों में हैक करने के लिए विशेष रूप से मुफ्त कॉल प्राप्त करने के लिए, तो क्या करते हैं, दूर संचार जो प्रणालियां हैं उसमें थोड़ा बहुत हैक किया जाता है ताकि फ्री फोन कॉल किया जा सके। फ्रीकिंग अभी भी होती है लेकिन उसको दूसरे फ्रॉड के लिए किया जाता है, जैसे टेररिज्म के लिए किया जाता है या मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, आपका फोन कॉल जो है, फोन जो है वो हैक हो जाता है, ठीक। आपके नंबर से किसी दूसरे को कॉल जाती है लेकिन वो कोई दूसरा बात कर रहा होता है, ठीक। तो ये क्या है, आपके नंबर को, आपके टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का जो सिग्नल है उसको हैक कर लिया जाता है और उसके जरिए दूसरे को कॉल की जाती है, तो उसमें आपका नंबर जाता है लेकिन जनरली आप नहीं कॉल कर रहे होते हैं उनको, ठीक। सो ये फ्रॉड करने के लिए इस तरह के क्राइम और इस तरह के हैकिंग होती है। पहले जो है ये ज्यादातर प्री कॉल करने के लिए होता था, ठीक। हैक इनटू टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम स्पेशली टू ऑब्टेन फ्री कॉल्स, दूर संचार प्रणालियों में हैक करने के लिए विशेष रूप से मुफ्त कॉल प्राप्त करने के लिए ये फ्रीकिंग होती थी, ठीक। दूसरा क्या है, फ्रीकिंग लार्जली एंडेड इन 1983 व्हेन टेलीफोन लाइंस वर अपग्रेडेड टू कॉमन चैनल इंट्रोफिस सिग्नल, ठीक। सो फ्रीकिंग जो है वो 1983 में खत्म हो गई जब टेलीफोन लाइन को अपग्रेड कर दिया गया किसमें, कॉमन चैनल इंट्रोफिक सिग्नलिंग, ठीक। विच सेपरेटेड सिग्नलिंग फ्रॉम द वॉइस लाइन, जो सिग्नल को वॉइस लाइन से अलग करता है, पहले वॉइस लाइन और सिग्नल एक थे, ठीक। तो इसमें जो है फ्री कॉल करने के लिए उसमें थोड़ा बहुत हैक करके, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके कर लिया जाता है, लेकिन अब वॉइस लाइन को और सिग्नलिंग को अलग कर दिया गया इस
कॉमन चैनल इंट्रोफिस सिग्नलिंग के जरिए, तो यहाँ पर फ्रीकिंग खत्म हो गई, जनरली लार्जली खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो। फ्रीकिंग काफी हद तक 1983 में समाप्त हुई जब टेलीफोन लाइनों को कॉमन चैनल इंट्रोफिस सिग्नलिंग में अपग्रेड किया गया, जो वॉइस लाइन से सिग्नलिंग को अलग करती है, जो क्या करती है, वॉइस लाइन से सिग्नलिंग को अलग करती है, जिसके जरिए क्या होता है, फ्रीकिंग कम हो जाती है। ठीक, ये ज्यादातर 1983 में खत्म हुआ क्योंकि CCIS जो है वो 1983 में आया था, कॉमन चैनल इंट्रोफिस सिग्नलिंग जो है वो 1983 में आया था, और उसी टाइम पे ये फ्रीकिंग कुछ हद तक कम हो गई। ठीक, नेक्स्ट आता है फिशिंग। फिशिंग एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल दैट परपोज टू बी फ्रॉम अ रिप्यूटेबल सोर्स सच एज द रिसिपिएंट बैंक और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर एंड दैट सीक्स टू एक्वायर पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल पे कोई मैसेज आता है और उस पर लिखा होता है कि, मतलब ऐसा वो मैसेज ऐसा होता है, फिशिंग क्या है? फिशिंग एक तरह से जब मछली पकड़ने जाते हैं आप लोग, अगर आप लोग गए हो पकड़ने के लिए, वैसे गांव वगैरह में लोग जाते हैं पकड़ने के लिए मछली, तो मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कांटे में दाना जो है बजा के उस पर फंसा के जो है वो हम लोग पानी में डाल देते हैं। ठीक, पानी में डाल देते हैं तो मछली को लगता है कि ये दाना है और वो उसको खाने के लिए आती है, उसको पकड़ लेते हैं। ठीक, तो ये फिशिंग। ठीक, इसी तरह ईमेल में भी फिशिंग होती है। ईमेल में फिशिंग कैसे होती है, आपके पास ईमेल आता है और वो ईमेल ऐसा, मतलब बनाया होता है, इस तरह से बनाया होता है कि ऐसा लगता है कि आपके बैंक अकाउंट से वो ईमेल, बैंक से वो ईमेल आया। जैसे आपका अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो वो ईमेल ऐसा आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही आएगा, आपको लगेगा कि ये तो बैंक का एक ईमेल है। ठीक, और उसमें आपका मतलब सारी चीजें बताई होती हैं। ठीक, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो हैक करके ही, आपका ईमेल हैक करके, आपकी थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करके तभी आपको मेल करते हैं। फिर उसमें आप कह देंगे कि आप, मतलब आपका नाम जो है वो लेके, उसके बाद बोलेंगे कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है या आपका अकाउंट का जो है KYC कराना है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन वो ले लेते हैं, जैसे कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट है ये, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है, ऑनलाइन बैंकिंग का आपका, या UPI अकाउंट जो है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं ईमेल के जरिए, इसी को फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि वो बैंक है, या आपने जहाँ पे, जहाँ से क्रेडिट कार्ड लिया है वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है या आपका बैंक है। ठीक, तो इस तरह के ईमेल भेजे जाते हैं जिसमें लगता है कि वो किसी रिप्यूटेड सोर्स से आ गए, यानी कि या तो बैंक से आ रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल सोर्स से आ रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि वो कोई फ्रॉड है। ठीक, इस तरह के फ्रॉड को फिशिंग कहा जाता है। वो CCIS है, तो पहले क्या होता था, आपने टेलीफोन वगैरह देखा होगा, वो वायर्ड होते थे पहले, मोबाइल फोन तो अब वायरलेस हो गए, लेकिन वो वायर्ड होते थे जो टेलीफोन वगैरह होते, तो उसमें एक सिग्नलिंग सिस्टम था। ठीक, सिग्नलिंग सिस्टम क्या था, एक ऐसा सिस्टम था उस वक्त कि वॉइस कॉल जो होती थी और जो सिग्नल होते थे, दोनों एक ही होते थे, तो उसी वायर के जरिए, उसी सिग्नल के जरिए ही वॉइस भी ट्रांसफर होती थी। तो ये CCIS जो है एक कॉमन, क्या है इसका फुल फॉर्म, कॉमन चैनल इंट्रोफिस सिग्नलिंग है, कॉमन चैनल इंट्रोफिस सिग्नलिंग है। इसमें क्या होता है कि इसमें वॉइस को और सिग्नल को, जो प्रोवाइडर है, नेटवर्क प्रोवाइडर है, उसके सिग्नल को और वॉइस को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक, तो ये उसी टाइम का टर्म है जब फोन जो है, आप PC वगैरह आपने देखा होगा, ये सारे जो है वायर्ड होते हैं, उस टाइम का ये सिग्नल है, एक टाइप का सिग्नल है CCIS। ठीक, तो फिशिंग समझ में आ गया क्या होता है। फिशिंग एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल दैट प्रपोज To be from a reputed sources, ठीक, ऐसा लगता है कि वो किसी reputable source से आ रहा है, such as recipient bank, या तो आपके bank से आ रहा है, या credit card provider से आ रहा है, and that seeks to be required personal or financial information. ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने online कोई सामान order किया Flipkart या Amazon से या किसी भी site से, उनका message आता है, आपने उसको return कर दिया,
उनका मैसेज आता है कि ठीक है हम आपका जो है पैकेट जो है आपका पार्सल जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, हमको ये फला फला इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम आपको पैसा ट्रांसफर कर सकें। तो आप क्या करते हैं उसमें, आपको लगता है कि ठीक है हाँ मैंने ही तो ऑर्डर किया था, उसको कैंसिल किया, अब उसका रिफंड आना है, ठीक। सो आप उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इस तरह की जो फ्रॉड होते हैं उसको फिशिंग कहा जाता है, ठीक। ऐसे ईमेल बहुत आते हैं, मुझे भी आ चुके हैं बहुत, ठीक, आप लोग को भी आए होंगे कई बार। फिशिंग क्या है? फिशिंग ईमेल भेजने का कार्य जो किसी प्रतिष्ठित सोर्स से होने का दावा करता है। तो फिशिंग क्या है? एक तरह का ईमेल भेजने का कार्य है जो ये दावा करता है कि ये कोई प्रतिष्ठित सोर्स से आ रहा है, यानी कि जैसे बैंक से आ रहा है या किसी जेन्युइन वेबसाइट से आ रहा है या जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है उसके तरफ से आ रहा है, ठीक, ऐसे लोगों की तरफ से आ रहा है, ऐसा वो ईमेल शो करता है, ठीक। लेकिन वो एक तरह से फ्रॉड होता है, जैसे कि प्राप्तकर्ता का बैंक, या तो जिसको ईमेल मिल रहा है उसके बैंक अकाउंट से, बैंक से ही ये मैसेज आ रहा है, या क्रेडिट कार्ड प्रदाता से आ रहा है, ठीक। तो वो लोग ऐसा शो करते हैं कि ये आपके बैंक का मैसेज है, या आपने जहाँ से क्रेडिट कार्ड लिया है वहाँ का मैसेज है, या जो है और जो व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और फिशिंग के जरिए लोग ज्यादातर व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और इसमें आपको आपके साथ जो है वो वित्तीय फ्रॉड ही होता है, ठीक। जानकारी के लिए मछली पकड़ने के विचार से ये नाम लिया गया। तो जैसे मछली पकड़ी जाती है, मैंने अभी बताया एग्जाम्पल कि मछली पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांटे में जो है कुछ दाने वगैरह जो भी मछलियां खाती हैं उसको फंसा कर हम लोग पानी में डाल देते हैं। मछली को लगता है कि ये जेन्युइन दाना है, ठीक, तो वो लगता है कि उसको जो खाने के लिए चाहिए वही है, लेकिन असल में उसमें कांटे लगे होते हैं। तो इसी तरह फिशिंग भी होती है, आपको लगता है कि ये सही जगह पे ईमेल आया लेकिन असल में उसमें कांटे लगे होते हैं, और जैसे ही आप जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देते हैं तो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है या पर्सनल फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक। आपकी जानकारी लेकर भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अभी तो धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा कम हो गया ये सारी चीजें। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ आधार अगर आप दे देते हैं, आधार की कॉपी दे देते हैं और एक फोटो दे देते हैं तो उससे जो है सिम वगैरह निकल जाते हैं, ठीक। हाँ, जो सिम होते हैं जो मोबाइल फोन में लगते हैं वो निकल जाते थे। अभी क्या है, बायोमेट्रिक हो गया सारा, तो बगैर आप फिंगर लगाए आपको सिम नहीं मिलेगा। तो पहले ये था, तो क्या होता था, आपके बैंक से सपोज करिए कोई ईमेल भेजता था कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं और आपको जो है अपना आधार, चूंकि आपका जो है केवाईसी करना है तो आप अपना आधार और अपना फोटो भेज दीजिए, हम कर देंगे, ठीक। वो फिर क्या करते हैं, आपके नाम से सिम निकाल लेंगे, फिर उस सिम से फ्रॉड किए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको फिशिंग कहा जाता है, इस तरह की गतिविधियों को फिशिंग कहा जाता है, और ये मछली पकड़ने के विचार से ही लिया गया, हालांकि स्पेलिंग अलग है फिशिंग की और इस तरह की फिशिंग की, ठीक। वो FISHIN है, ये क्या है, PHISHIN है, ठीक। द नेम ड्राइव फ्रॉम द आइडिया ऑफ फिशिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक, जानकारी के लिए मछली पकड़ने के विचार से लिया गया, ठीक। सो इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, ठीक, वहां पे मछली पाने के लिए इस तरह से फिशिंग की जाती है, लेकिन ये जो है इंफॉर्मेशन पाने के लिए फिशिंग की जाती है, चाहे वो डेबिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, बैंक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए ये फिशिंग की जाती है, इस टाइप की फिशिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर वॉर्म, कंप्यूटर कीड़ा, ठीक, कंप्यूटर वॉर्म यानी कि कंप्यूटर कीड़ा। कंप्यूटर वॉर्म कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू फर्टिवली कॉपी इट सेल्फ इन टू अदर कंप्यूटर, ठीक। सो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, इस तरह से ये कंप्यूटर वॉर्म जो होते हैं ये एक तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक तरह के एप्लीकेशन होते हैं, जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरह से काम करते हैं कि आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं वो दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफर करता रहता है, ठीक, कॉपी करके वो दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफर करता रहता है। इस तरह के एप्लीकेशन को, इस तरह के प्रोग्राम को कंप्यूटर वॉर्म कहा जाता है। सो कंप्यूटर वॉर्म कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू फर्टिवली कॉपी इट सेल्फ इन टू अदर कंप्यूटर, तो ये क्या करता है, अपने आप को दूसरे कंप्यूटर में कॉपी कर लेता है।
ठीक, और उससे फिर इंफॉर्मेशन चोरी करने लगता है। कंप्यूटर कीड़ा क्या है? कंप्यूटर वॉर्म, कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे अन्य कंप्यूटरों में चोरी छिपे कॉपी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक, तो चोरी छिपे कॉपी करने के लिए यह डिजाइन किया जाता है। ठीक, जैसे आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, उस वेबसाइट में ये कंप्यूटर वॉर्म जो है उसका प्रोग्राम डाला होता है, जैसे ही आप वेबसाइट खोलते हैं वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है चोरी छिपे से। ठीक, फिर उन वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आपको पता भी नहीं होता है कि वो आपके मतलब कंप्यूटर में है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन लेकर दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफर करता रहता है, दूसरे लोगों को ट्रांसफर करता रहता है जो उसका ओनर है उसको। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे कंप्यूटर वॉर्म भी पाए जाते हैं। वॉर्म मतलब क्या होता है? कीड़ा। ठीक, सो कंप्यूटर वॉर्म, कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू फर्टिवली कॉपी इटसेल्फ इनटू अदर कंप्यूटर। कंप्यूटर वॉर्म, कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर कीड़ा, कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे अन्य कंप्यूटरों में चोरी छिपे कॉपी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अनलाइक अ कंप्यूटर वायरस। ये कंप्यूटर वायरस की तरह नहीं बल्कि विच इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट इटसेल्फ टू स्टिल मोर प्रोग्राम। ठीक, तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है? कंप्यूटर वायरस जो है जब कंप्यूटर में आता है तो वह दूसरे प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है ताकि वो आगे के प्रोग्राम तक बढ़ सके। यानी कि एक प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाएगा, फिर दूसरे प्रोग्राम पे पड़ेगा, फिर तीसरे प्रोग्राम पे पड़ेगा, तो इस तरह से वो नुकसान पहुंचा के इन्फेक्ट करके वो पहुंचता है। लेकिन ये कंप्यूटर वॉर्म क्या करता है? ये वायरस की तरह नहीं काम करता है। अनलाइक कंप्यूटर वायरस विच इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट इटसेल्फ टू स्टिल मोर प्रोग्राम, वॉर्म्स आर जनरली इंडिपेंडेंट प्रोग्राम एंड नीड नो होस्ट। ठीक, सो वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वायरस क्या करते हैं? दूसरे प्रोग्राम का इस्तेमाल करके वो बाकी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रोग्राम होना जरूरी है, वो वायरस के लिए एक प्रोग्राम होना जरूरी है, लेकिन वॉर्म क्या करते हैं? वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनको किसी प्रोग्राम की जरूरत है नहीं, वो इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, किसी होस्ट की जरूरत नहीं है उनको। ठीक, सो एक कंप्यूटर वायरस के विपरीत जो अन्य कार्यक्रमों को संक्रमित करता है ताकि खुद को और अधिक कार्यक्रमों से में प्रसारित किया जा सके। तो जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या करता है? वो जो भी कार्यक्रम है उनको संक्रमित करता है, यानी कि उसके ऊपर जाके रहता है, मतलब उसी में जाके रहता है और फिर दूसरे कार्यक्रमों तक वो फैलता जाता है। ठीक, लेकिन जो कंप्यूटर कीड़ा होता है वो आमतौर पर स्वतंत्र रूप से काम करता है। ठीक, इसको किसी कार्यक्रम की, किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से काम करता है और उन्हें मेजबान की आवश्यकता नहीं होती और इसे कोई प्रोग्राम की जरूरत, किसी कार्यक्रम की जरूरत नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। लेकिन जो वायरस होता है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। जैसे आपकी बॉडी में भी जो वायरस होता है वो क्या होता है? वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। आपके सेल में जब जाता है तो वो सेल की एनर्जी का यूज करके खुद को बढ़ाता है। ठीक, ऐसे ही कंप्यूटर वायरस क्या करता है, इसीलिए उसका वायरस नाम ही पड़ा है। ठीक, वो उस प्रोग्राम में जाकर उस प्रोग्राम के जो अलग अलग सिस्टम है, ठीक, उस प्रोग्राम की जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाता है। ठीक, लेकिन कीड़ा जो है वो क्या करता है, जो वॉर्म है वो क्या करता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो किसी की प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग की जरूरत है ही नहीं उसको। ठीक, उसके प्रोसेसर की जरूरत है नहीं, वो खुद ही वो काम करता रहता है। ठीक, जैसे हमारी बॉडी में वायरस है उसको सेल के एनर्जी की जरूरत है, तो जब तक वो सेल की एनर्जी नहीं लेगा तब तक वो फैल नहीं सकता। ठीक, जैसे ही उसको सेल की एनर्जी मिलती है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, एक से दो, दो से चार, चार से छह, इस तरह से बढ़ता जाता है वायरस। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसको किसी सेल की एनर्जी की जरूरत नहीं, उसके पास खुद की एनर्जी होती है। इसी तरह आप समझ लीजिए, ठीक, कि बैक्टीरिया जो है वो कंप्यूटर कीड़ा है और वायरस जो है वो क्या है? कंप्यूटर वायरस। ठीक, इनफैक्ट वॉर्म टिपिकली नीड नो ह्यूमन एक्शन टू रिप्लिकेट अक्रॉस नेटवर्क। वॉर्म को जरूरत नहीं है कि वो कोई ह्यूमन एक्शन, नेटवर्क तक पहुंचने के लिए किसी ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप जो है कोई वेबसाइट खोलते हैं, ठीक, वहां पे कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तभी वहां से आपको वायरस मिलता है, लेकिन ये जो वॉर्म है उसको जरूरत नहीं है कि आप कोई एक्शन करें तभी वो आएगा, वो अपने आप भी आ सकता है। वास्तव में कीड़ों को आमतौर पर पूरे नेटवर्क में दोहराने की किसी मानवीय क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें किसी मानवीय क्रिया की आवश्यकता नहीं है। आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आता है तो आप जब यूज करेंगे वो प्रोग्राम तभी वो वायरस फैलेगा, नहीं तो नहीं फैलेगा। ठीक, लेकिन कीड़ा क्या है? आप कंप्यूटर को यूज करें ना करें, उस प्रोग्राम को यूज करें ना करें, वो फैलता ही है। ठीक,
तो वायरस के कंप्यूटर वायरस के मुकाबले में कंप्यूटर वॉर्म जो है वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक, कंप्यूटर वायरस के मुकाबले में जो कंप्यूटर कीड़े हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट आता है स्पैम, अवांछित ईमेल। स्पैम यानी कि अवांछित ईमेल, तो आपके ईमेल में भी अब आने लगा है, वो मतलब एक फीचर देखता है कि ये स्पैम ईमेल है। ठीक, या आप कॉलिंग के भी बहुत सारे ऐप हैं, जब आपके पास कॉल आती है तो वो लिख के पहले दे देता है कि ये स्पैम कॉल है, ठीक, ये फ्रॉड कॉल है, स्पैम कॉल है। तो इस तरह के अब स्पैम ईमेल भी भेजे जाते हैं। स्पैम ईमेल क्या है? स्पैम इज अ जेनरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। ठीक, तो स्पैम क्या है? एक जेनरिक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है जंक मेल को, जो जंक मेल आते हैं आपके ईमेल एड्रेस पे, वो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए स्पैम नाम रखा गया है। और अनवांटेड मैसेज, ऐसे मैसेजेज हैं जो अनवांटेड होते हैं, सेंड टू योर ईमेल अकाउंट और मोबाइल फोन। तो आपके मोबाइल फोन पे या आपके ईमेल अकाउंट पे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं जिनको आपको जरूरत होती नहीं है, ये अनवांटेड होते हैं। ठीक, आपको उसकी जरूरत होती नहीं है लेकिन वो भेजे जाते हैं आपके आपके मोबाइल फोन पे या आपके ईमेल पे। तो स्पैम एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या आपके ईमेल खाते या मोबाइल फोन पर भेजे गए अवांछित संदेशों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो स्पैम क्या है, अवांछित ईमेल क्या है, ये ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, उसी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो आपके या तो मोबाइल फोन पे आता है मैसेज के थ्रू या आपके ईमेल के थ्रू आता है। दीज मैसेजेस वेरी बट एजेंशियली कॉमर्शियल एंड ऑफन अनोइंग इन देयर शेयर वैल्यू। ये जो है आप मतलब ये ऐसे ईमेल होते हैं जनरली, ये आपको ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते, फाइनेंशियल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ये। ठीक, सिंपली बहुत ज्यादा मैसेजेज आते हैं तो एक तरह से क्या होते हैं, बहुत अनोइंग हो जाते हैं। ठीक, आप अपना ईमेल खोलेंगे तो बहुत सारे ऐड के मैसेज आते हैं। ठीक, अलग अलग कंपनी के, आपने एक वेबसाइट कभी विजिट किया किसी काम के लिए, फिर उस वेबसाइट से वो मैसेजेज आते रहते हैं। प्रोडक्ट से खासतौर से ये कमर्शियल होते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट से बहुत मैसेज आते रहेंगे। ठीक, ये प्रोडक्ट है, इतना ऑफ चल रहा है, इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये जनरली आपको उकसाते हैं खरीदने के लिए चीजों को। ठीक, उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए आपको उकसाते हैं। लेकिन ये जो ईमेल होते हैं ये बहुत अनाइंग होते हैं, ये जो मैसेज होते हैं बहुत अनाइंग होते हैं। ठीक, आप अभी भी देखेंगे अपना मोबाइल फोन उठा के देखिए, आप बहुत सारे ऐसे अनवांटेड मैसेज होंगे जिनकी आपको जरूरत ही नहीं, जो अलग अलग कंपनी से आए हुए हैं। किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या प्रोडक्ट को देखने के लिए, जैसे आप सपोज करिए इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखा, आपने थोड़ा सा उस पर क्लिक कर दिया, फिर आप उससे मैसेजेज आते रहेंगे। ठीक, आप बराबर उससे मैसेजेज आते रहेंगे, या आपने कहीं पे अपना ईमेल यूज किया तो वहां से आप मैसेज आते रहेंगे। तो ये क्या है, अनवांटेड मैसेज होते हैं, जनरली ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए भेजे जाते हैं। ठीक, जैसे जो भी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां होती हैं वो ज्यादातर बेचती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट भेजेंगी, डिस्काउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजेंगी, ताकि मतलब कभी आप देखें अगर तो आपको लगे अच्छा इतना डिस्काउंट है, फिर आप जाके वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो ये जनरली आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उकसाते हैं। ठीक, इसको स्पैम कहा जाता है। ठीक, तो ये अपराध नहीं है, ये क्राइम नहीं है। मैसेज आपको आपको मतलब भेजा जा सकता है मैसेज, लेकिन ये एक तरह से उकसाते हैं। आप अगर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तभी आपका जो है वहां पे पैसा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये जबरदस्ती आपसे पैसे नहीं लेते, मतलब फ्रॉड तरीके से आपसे पैसे नहीं निकलवाते। जैसे कॉल वगैरह स्पैम कॉल भी आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपने कोई वेबसाइट विजिट की, अब वहां से कॉल आना शुरू हो जाएगा कि सर आपने ये वेबसाइट विजिट की थी, ये प्रोडक्ट आपने देखा था, इस पे इतना डिस्काउंट चल रहा है, आप अभी खरीदेंगे तो इतना फायदा आपको मिलेगा, या उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि उसका क्या क्या फायदा है। ठीक, सारी चीजें। ठीक, तो स्पैम कॉल भी आती हैं, स्पैम मैसेजेस भी आते हैं, स्पैम ईमेल भी आते हैं। ठीक, ये संदेश अलग अलग होते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से व्यावसायिक होते हैं। तो ये ज्यादातर व्यावसायिक होते हैं, किसी किसी न किसी वस्तु को बेचने के लिए, किसी न किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये ज्यादातर संदेश भेजे जाते हैं, ये कॉल किए जाते हैं, और अक्सर उनकी मात्रा में कष्टप्रद होते हैं। ठीक,
ठीक, और उनकी मात्रा में कष्टप्रद, मतलब इतना ज्यादा आ जाते हैं ये मैसेजेज, इतना ज्यादा कॉल आ जाते हैं, इतना ज्यादा ईमेल आ जाते हैं कि आपको थोड़ा सा उसमें एनॉइंग लगने लगता है, थोड़ा कष्टप्रद लगने लगता है, ठीक, यानी कि बहुत झुंझला जाते हैं कि इतना मैसेज क्यों आ रहा है, ठीक। तो ये सारे संदेश को या कॉल को स्पैम संदेश या स्पैम कॉल कहा जाता है, ठीक। तो ये टर्म्स भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में कि स्पैम क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों जगह पे पूछी जाती है। दे मे ट्राई टू परस्यूड यू टू बाई अ प्रोडक्ट और सर्विस, यही मैंने बताया कि ये आपको उकसाते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या किसी सर्विस को लेने के लिए या किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए, ठीक। बार बार इतने मैसेज आएंगे कि आप उस वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं या उस प्रोडक्ट को मतलब देख तो लेते ही हैं कि खरीदना है या नहीं, ठीक। दे मे ट्राई टू परस्यूड यू टू बाई अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक प्रोडक्ट को बाई करने के लिए या सर्विसेज को बाई करने के लिए आपको ये उकसाते हैं, और विजिट अ वेबसाइट या किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए ये उकसाते हैं, वेर यू कैन मेक परचेज, जहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। और दे मे अटेम्प्ट टू ट्रिक यू इनटू डिवल्गिंग योर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड डिटेल, ठीक। या तो ऐसा आपको ट्रिक करते हैं इस मैसेज के जरिए, आपको ऐसा ट्रिक की जाती है कि आप जो है अपनी बैंक अकाउंट या आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल इनको दे, ठीक, किसी ना किसी तरीके से ये करते हैं। जैसे एक मैसेज आ गया कि आप मतलब ये ऐप डाउनलोड करिए और इस ऐप के जरिए आपको जैसे ही आप इसमें मतलब पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको इतना बोनस मिल जाएगा, 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये बोनस मिल जाएंगे। तो आप क्या करते हैं वहाँ पे अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल दिए, अब वो चूंकि फ्रॉड था, ठीक। तो इस तरह के भी मेल आते हैं, इस तरह के भी संदेश आते हैं, ठीक। दे मे ट्राई टू प्रोसीड यू to buy a product or services or visit a website where you can make purchase or they may attempt to trick you into divulging your bank account or credit card detail. वे आपको कोई उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं, तो वो इतने मैसेज भेजेंगे, इतना कॉल करेंगे कि वो आपको उसकी उनकी सेवा या उनके उत्पाद खरीदने के लिए आपको मनवाते हैं, ठीक, मनवाने की बहुत कोशिश करते हैं, या किसी ऐसे वेबसाइट पर जा सकते हैं, या मतलब आपको किसी ऐसे वेबसाइट को जाने के लिए कहेंगे जहां पे आप कुछ ना कुछ खरीदारी कर सकते हैं, ठीक। मैसेजेज आ रहे हैं किसी वेबसाइट से, अब वो आप वेबसाइट आप जरूर विजिट करेंगे, आपकी निगाह पे जब भी आप ईमेल खोलेंगे या आप मैसेजेस खोलते हैं तो वो वेबसाइट अगर बार बार उसका ईमेल आता रहता है तो कभी ना कभी आप खोल के देख ही लेते, ठीक। या वे आपके बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड के विवरण प्रकट करने के लिए आपसे छल करने का प्रयास करते हैं, तो आपसे ये छल करने का प्रयास करते हैं कि आप उनको बैंक खाते की डिटेल आप दे दीजिए या क्रेडिट कार्ड का डिटेल दे दीजिए, ठीक। इस तरह से छल करके आपसे डिटेल निकलवा ली जाती है। नेक्स्ट आता है स्कैम यानी कि घोटाला। इंटरनेट स्कैम आर डिफरेंट मेथडोलॉजीज ऑफ फ्रॉड, ठीक। तो ये अलग मेथडोलॉजी है फ्रॉड की, अलग तरीके हैं फ्रॉड के इंटरनेट स्कैम, फैसिलिटेटेड बाई साइबर क्रिमिनल्स ऑन द इंटरनेट, ये कौन करता है, साइबर क्रिमिनल्स करते हैं इंटरनेट पे, ठीक। तो साइबर क्रिमिनल्स के जरिए जो फ्रॉड किए जाते हैं उसी को स्कैम कहा जाता है। इंटरनेट घोटाले धोखाधड़ी की विभिन्न पद्धतियां हैं जिन्हें इंटरनेट पर साइबर अपराधियों द्वारा सुगम बनाया जाता है। तो इसको ज्यादातर लोग कौन यूज करते हैं, जो साइबर अपराधी होते हैं वही इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, और ये इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट पे जो भी घोटाले होते हैं, धोखाधड़ी होती है, वो सारी चीजें जो है घोटाले में आ जाती हैं, और इसको जो ज्यादातर साइबर अपराधी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। स्कैम कैन हैपन इन अ मिरियड ऑफ वेज, यानी कि कई तरीके से किए जा सकते हैं, ठीक। कई तरीके से स्कैम हो सकते हैं आपके साथ, वाया फिशिंग ईमेल, फिशिंग के जरिए हो सकता है जो हम लोगों ने पढ़ा है, सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है, एसएमएस मैसेज के जरिए हो सकता है, और मोबाइल फोन, फेक टेक सपोर्ट, या बहुत सारे फेक टेक सपोर्ट होते हैं। आपने मतलब कोई प्रोडक्ट बाय किया, कोई टेक्नोलॉजी आपने बाय किया, अब आप सर्च करते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम होती है तो सर्च करते हैं गूगल पे जाके या कहीं पे भी जाके आप सर्च करते हैं कि उनका हेल्पलाइन नंबर क्या है या सपोर्ट
कहाँ से हम लोग हेल्प एंड सपोर्ट पे जा सकते हैं उनके, ठीक। तो वो फेक, बहुत सारे फेक मिल जाते हैं, तो फेक टेक सपोर्ट के जरिए जो है आपके साथ स्कैम होता है, फोन कॉल के जरिए आपके पास स्कैम होता है, स्कैरवेयर एंड मोर, बहुत सारे तरीके हैं स्कैम के, ठीक है। घोटाले असंख्य असंख्य तरीकों से हो सकते हैं, यानी कि उसकी कोई संख्या नहीं, बहुत सारे तरीके से घोटाले होते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे घोटाले के बारे में बताया भी है, ठीक, आप भी बहुत सारे घोटाले के बारे में जानते भी होंगे। तो बहुत सारे घोटाले, घोटाले के बहुत सारे तरीके हैं, असंख्य तरीके, ठीक। फिशिंग है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस संदेश आता है, ठीक। नकली टेक सपोर्ट फोन कॉल होते हैं, ठीक। मतलब आपने कोई कंप्लेन की, सपोज करिए अगर आपने ट्विटर पे कोई कंप्लेन की तो वो सारे लोग देख सकते हैं, तो आपके पास फोन कॉल आ जाता है कि ठीक है, हम फलां कंपनी से बोल रहे हैं, आपने कंप्लेन की थी, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर वो धीरे धीरे आपसे फोन मतलब आपके बैंक की डिटेल या आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल या डेबिट कार्ड की डिटेल निकलवाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, नकली टेक सपोर्ट होते हैं, नकली टेक सपोर्ट के जरिए फोन कॉल किए जाते हैं, स्काईवेयर और स्कैमवेयर और बहुत कुछ, ठीक। जैसे बीच में जो है फ्लिपकार्ट से रिलेटेड एक स्कैम हो रहा था, जिसमें क्या है, डिलीवरी बॉय के नाम से जो है फोन कॉल आते थे, ठीक, या उनके जो है फ्लिपकार्ट का जो मतलब हेल्पलाइन नंबर है, ठीक, ये बोलते थे कि हम लोग जो है फ्लिपकार्ट कंपनी से बोल रहे हैं और फलां फलां जो है आपने ये प्रोडक्ट खरीदा था, ठीक। तो उसमें क्या है, कुछ लोग मिले हुए थे, फ्लिपकार्ट के कुछ इम्प्लॉय जो है उसमें मिले हुए थे, वो डिटेल उनको प्रोवाइड करते थे, तो वो फोन करते थे, फिर क्या कहते थे कि अगर आप जो है मतलब आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है, इसमें आपको ये ऑफर मिल रहा है, ठीक, सो उसको हम ऑर्डर कर दें आपके लिए, आपको इतना पेमेंट करनी पड़ेगी और ये प्रोडक्ट इतने का, जैसे उसने कह दिया कि 20,000 का प्रोजेक्ट है, आपको सिर्फ 2,000 पे करना होगा, ठीक। तो आप उनको डिटेल दे देते हैं, डिटेल से क्या होता है आपका, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक। तो स्कैम कैन हैपन इन मिराड ऑफ वेज वाया फिशिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस मैसेज, आर योर ऑन योर मोबाइल फोन, फेक टेक सपोर्ट फोन कॉल्स, स्कैमवेयर एंड मोर। घोटाले असंख्य तरीके से हो सकते हैं, फिशिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस संदेश, नकली टेक सपोर्ट फोन कॉल, स्कैमवेयर और बहुत कुछ। दूसरा क्या है, स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर इज जनरली कंसीडर्ड टू बी सॉफ्टवेयर दैट इज सीक्रेटली इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर एंड टेक्स थिंग फ्रॉम इट विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर। तो स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर जनरली कंसीडर किया जाता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सीक्रेटली जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, जो चोरी छुपके जो है आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाता है, और ये जो है वहां से चीजों को चुराता है, ठीक, वहां से इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को चुराता है बगैर आपकी परमिशन, ठीक, बगैर आपकी परमिशन के वो नॉलेज को चुराता है और फिर वो दूसरों को देता है, ठीक। इस तरह के प्रोग्राम को, इस तरह के सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर कहा जाता है, ठीक। स्पाईवेयर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी सॉफ्टवेयर दैट इज सीक्रेटली इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर एंड टेक्स थिंग फ्रॉम इट विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर, बगैर यूजर के नॉलेज या परमिशन के वो इंस्टॉल हो जाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन चुराते हैं, ठीक। तो स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर को आमतौर पर ऐसा सॉफ्टवेयर माना जाता है जो कंप्यूटर पर गुप्त रूप से इंस्टॉल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंप्यूटर पर गुप्त रूप से इंस्टॉल हो जाते हैं और इसके बारे में जो उपभोगकर्ता है उसको जानकारी नहीं होती है, ना ही उपभोगकर्ता से कोई अनुमति ली जाती है। तो स्पाईवेयर को आमतौर पर ऐसा सॉफ्टवेयर माना जाता है जो कंप्यूटर पर गुप्त रूप से इंस्टॉल होते हैं और उपभोक्ता की अनुमति या ज्ञान के बिना उससे चीजें लेते हैं, ठीक। तो उससे इंफॉर्मेशन, उससे चीजें जो है उपभोक्ता की अनुमति या ज्ञान के बिना ली जाती है, ठीक, और वो दूसरी कंपनियों को, दूसरे लोगों को ट्रांसफर की जाती है। स्पाईवेयर मे टेक पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, बैंडविड्थ और प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड सेपरेटली गिव्स इट टू समवन एल्स।
तो स्पाईवेयर क्या कर सकता है, आपके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है, आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन ले सकता है, बैंडविड्थ और प्रोसेसिंग कैपेसिटी ले सकता है और सीक्रेटली इसको दूसरे को दे सकता है। ठीक, तो स्पाईवेयर क्या करता है, व्यक्तिगत जानकारी ले लेता है आपके कंप्यूटर से, आपकी व्यावसायिक जानकारी ले सकता है, बैंडविड्थ का या प्रसंस्करण क्षमता ले सकता है, ठीक, और गुप्त रूप से इसे किसी और को दे सकता है। ठीक, तो ये इसी तरह से काम करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन चुराते हैं आपसे रिलेटेड, फिर वो इंफॉर्मेशन दूसरे को दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने साइबर क्राइम और उसके टाइप्स और वेज सारे चीजों के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटलाइजेशन के बारे में, डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डाटा इनटू अ डिजिटल। कई बार इस डिजिटलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डाटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी इजिली रीड एंड प्रोसेस बाय अ कंप्यूटर। ठीक, तो अगर आप डाटा को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जिसको आसानी से कंप्यूटर के जरिए प्रोसेस किया जा सकता है या रीड किया जा सकता है, ऐसे तरीके को, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। जैसे एक बुक है, उस बुक को जो है आपने कंप्यूटर में ई बुक के फॉर्म में लिख दिया, ठीक, अब वो बुक का क्या होगा, डिजिटलाइजेशन हो गया। ठीक, क्योंकि अब उसको कंप्यूटर के जरिए आसानी से उसको पढ़ा जा सकता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। ठीक, तो इसी को डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे डाटा होते हैं, ठीक, जैसे अभी गवर्नमेंट की ऑफिसेज जो है या प्राइवेट ऑफिसेज जो है, वो सारी चीजें, सारे ऑफिसेज, सारे मतलब जो भी इस तरह की ऑफिसेज होती हैं जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो सब डिजिटलाइज हो रही हैं। ठीक, उनके सारे डाटा जो है वो अब कंप्यूटर में ही फीडअप किए जाते हैं। ठीक, सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डाटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी इजिली रीड एंड प्रोसेस बाई अ कंप्यूटर। तो एक डाटा को अगर आप चेंज करते हैं डिजिटल फॉर्म में, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और उसको प्रोसेस किया जा सकता है कंप्यूटर के जरिए से, उसको डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, डेटा को डिजिटल रूप में बदलने की प्रक्रिया, जिसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से पढ़ा और संसाधित किया जा सकता है। ठीक, डेटा को डिजिटल रूप में बदलने की प्रक्रिया, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम डेटा को डिजिटल रूप में बदलते हैं। ठीक, यानी कि पहले वो डिजिटल रूप में नहीं था, सपोज करिए ऑफलाइन बुक है कोई, उसको आप जो है क्या कर रहे हैं, डिजिटल में ई बुक में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, यानी कि आप उसको फीड अप करेंगे कंप्यूटर में, फिर उसको जो है ई बुक में ट्रांसफर करेंगे। अब वो ई बुक जो है किसी भी कंप्यूटर के जरिए, किसी भी मोबाइल फोन के जरिए उसको आसानी से यूज किया जा सकता है, रीड की जा सकती है या संसाधित की जा सकती है। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को ही डिजिटलीकरण कहा जाता है। डेटा को डिजिटल रूप में बदलने की प्रक्रिया, जिसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से पढ़ा और संसाधित किया जा सकता है, ऐसी प्रक्रिया को डिजिटलीकरण कहा जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स के प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज शेपिंग द न्यू एज ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, एक नए एज में ले जा रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। ठीक, क्योंकि आप डिजिटली अब वोटिंग सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इज शेपिंग द न्यू एज ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रादर देन ब्रेकिंग इट। ठीक, एंड इट इज क्रिएटिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट व्यू एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फॉर द वोटर। तो ये पॉलिटिक्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि उसको फायदा ही पहुंचा रहा है, उसको बेनिफिट ही पहुंचा रहा है। एक नए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ठीक, ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। ठीक, एंड इट इज क्रिएटिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट व्यू एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फॉर द वोटर्स। और ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वोटर के लिए जो है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो पर्सपेक्टिव है उसको डेवलप कर रहा है। ठीक, यानी कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा जो है, जो भी पॉलिटिक्स के व्यूज होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। फिर ये सारी चीजें, मतलब पूरी पॉलिटिक्स को एक टेक्नोलॉजी के जरिए पूरा बदला जा रहा है।
पहले कोई चीज कोई फ्रॉड होता था उसको पब्लिक तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था, तब तक इलेक्शन हो जाते। लेकिन अब क्या है, एक फ्रॉड हुआ, सपोज करिए कि कल इलेक्शन है, आज कोई फ्रॉड होता है तो एकदम से पूरा जो है वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे पार्टी। ठीक, और वो जो पार्टियां होती हैं वो चाहती भी हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे, ताकि मतलब जो भी वोटिंग पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टेपिंग द न्यू एज ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रादर देन ब्रेकिंग इट, एंड इट इज क्रिएटिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट व्यू एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फॉर द वोटर्स। डिजिटल प्रौद्योगिकी और राजनीति की प्रक्रिया, डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए राजनीति की प्रक्रिया में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए वो देखेंगे हम लोग। सो डिजिटल प्रौद्योगिकी चुनावी राजनीति के नए युग को आकार देती है। तो ये क्या करती है, चुनावी राजनीति के नए युग को आकार देती है। एक नया युग आता है चुनावी राजनीति में जब डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसे तोड़ने के। यानी कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की वजह से राजनीति को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको तोड़ा नहीं गया। और ये मतदाता के लिए चुनावी राजनीति का अधिक पारदर्शी दृष्टिकोण और परिपेक्ष बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो भी मतदाता है उसके लिए चुनावी राजनीति का अधिक पारदर्शिता उसमें उसको सुनिश्चित कर रहा है, और उस अलग अलग दृष्टिकोण या परिपेक्ष जो है वो बना रहा है। आप ऑनलाइन सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक, सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। ठीक, जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसको आपको ऑनलाइन बहुत जल्दी पता चल जा रहा है, तो एक तरह से पारदर्शिता है। और इस ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, डिजिटल प्रौद्योगिकी की वजह से। डिजिटल टेक्नोलॉजी अलाउज पीपल टू पब्लिश इंफॉर्मेशन दैट कुड बी फॉल्टली एंड अनरिलायबल बट कुड बी टेकिंग सीरियसली एंड शिफ्ट पॉलिटिकल ओपिनियन, दस पॉसिबली लीडिंग टू एन अनफिट पॉलिटिशियन बीइंग इलेक्टेड टू ऑफिस। तो क्या हो रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी हो सकता है कि एक आदमी जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकता है। ठीक, जैसे आपने किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ एक फॉल्स इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी, अब कल ही इलेक्शन होना है तो अब उससे उस इलेक्ट्रेट उस पॉलिटिशियन के खिलाफ जो है पब्लिक वोट करेगी। ठीक, एक तरह से पब्लिक ओपिनियन जो है, पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो चेंज हो जाता है अगर ये फॉल्स इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन आप देखेंगे सोशल मीडिया वगैरह पे आपको मिल जाएगी। ठीक, सो डिजिटल ये सब जो है पार्टियां ही करवाती हैं, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे ये सब पार्टियां ही करवाती हैं। पार्टी के जो आईटी सेल्स वगैरह होते हैं वही सब करते हैं अपनी पार्टी को फायदा करने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टी के खिलाफ, दूसरे पॉलिटिशियन के खिलाफ फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। उसमें एडिट करके पब्लिश कर देंगे, कुछ कट करके पब्लिश कर देंगे। ठीक, जब तक वो अपने आप में सफाई देगा कि नहीं ये कट किया गया है या इसमें एडिट किया गया है, तब तक वो पूरा फैल जाता है। ठीक, सो डिजिटल टेक्नोलॉजी अलाउज पीपल टू पब्लिश इंफॉर्मेशन दैट कुड बी फॉल्टी जो मतलब गलत हो सकती है, एंड अनरिलायबल जो अनरिलायबल भी हो सकती है, बट कुड बी टेकन सीरियसली एंड शिफ्ट पॉलिटिकल ओपिनियन, इसको जो है लोग सीरियसली भी ले सकते हैं और इसकी वजह से पॉलिटिकल पॉलिटिकल ओपिनियन भी चेंज हो सकता है, दस पॉसिबली लीडिंग टू एन अनफिट पॉलिटिशियन बीइंग इलेक्टेड टू ऑफिस। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक अनफिट पॉलिटिशियन चूज हो सकता है। जैसे एक अच्छा पॉलिटिशियन था, लोगों ने क्या किया इलेक्शन के टाइम पे उसके खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन फैला दी, गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी, अब क्या होगा कि वो तो जीतेगा नहीं, उसकी तरफ वोट पड़ेगा ही नहीं, तो क्या होगा एक अनफिट पॉलिटिशियन जीत जाएगा और उसको सारे वोट मिल जाएंगे। ठीक, तो इसकी वजह से एक अनफिट पॉलिटिशियन आ सकता है। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी अलाउ पीपल टू पब्लिश इंफॉर्मेशन दैट कुड बी faulty and unreliable but could be taken seriously and shift political opinion thus possibly leading to an unfit politician being elected to office। डिजिटल तकनीकी लोगों को ऐसी जानकारी प्रकाशित करने की अनुमति देती है जो दोषपूर्ण और अविश्वसनीय है। ठीक, जो दोषपूर्ण होती है और अविश्वसनीय होती है, यानी कि जो गलत हो सकती है। ठीक, और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।
लेकिन लोग उसको गंभीरता से भी ले लेते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं उसको गंभीरता से ले लेते हैं, और गंभीरता से लिया जा सकता है, और राजनीति राय को बदल सकता है, और ये राजनीति राय को बदल सकता है, यानी कि वोटिंग बिहेवियर को बदल सकता है। इस प्रकार संभवतः एक अयोग्य राजनेता को कार्यालय के लिए चुना जा सकता है। जो योग था उसके खिलाफ क्या किया इन्होंने, गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी प्रकाशित कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जानकारी लोगों ने सीरियस ले लिया और उनका राजनीतिक राय यानी कि वोटिंग बिहेवियर जो था वो बदल गया, और उन्होंने दूसरे लोगों को वोट कर दिया और ऐसा राजनेता चुना गया जो अयोग्य था, जो उसके काबिल नहीं था। तो इस तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। फर्दर मोर, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ क्वालिटी जर्नलिज्म। लैक ऑफ क्वालिटी जर्नलिज्म को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यानी कि जो जर्नलिज्म है, क्वालिटी जर्नलिज्म है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आज के जमाने में हो रहा है। जो जर्नलिज्म है, क्वालिटी जर्नलिज्म बहुत कम मिलेगा, सारी फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है पब्लिक को, ठीक है। तो फर्दर मोर, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ क्वालिटी जर्नलिज्म। लैक ऑफ क्वालिटी जर्नलिज्म को एक्सप्लॉइट, मतलब जो क्वालिटी जर्नलिज्म है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे एक कोई भी एक जर्नलिस्ट है, अगर वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ फेक इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उससे वो बदनाम हो जाता है, फिर लोग उसको उसकी उसकी जो जर्नलिज्म है, उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको सही नहीं मानते। इसके अलावा डिजिटल तकनीकी का उपयोग गुणवत्ता पत्रकारिता की कमी का फायदा उठाने के लिए भी किया जाता है, ठीक। यानी कि जो क्वालिटी जर्नलिज्म है उसकी कमी है, उसका फायदा उठाते हैं, ठीक, और गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर वोटिंग बिहेवियर को चेंज करते हैं। इसके अलावा डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके, तो डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके जो गुणवत्ता पत्रकारिता की कमी है, यानी कि ऐसे पत्रकार की कमी है जो गुणवत्ता पत्रकार, यानी कि जो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जब उनकी कमी हो जाती है तो ये लोग गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर वोटिंग बिहेवियर को, राजनीतिक व्यवहार को बदलते हैं, ठीक, और एक अयोग्य नेता चुना जाता है उसकी वजह से। एज इट कैन बी यूज फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन थ्रू द यूज ऑफ ट्रोल्स एंड बॉट्स। तो ट्रोल्स वगैरह किए जाते हैं, बॉट्स वगैरह किए जाते हैं, डिस्गाइज एज ऑर्डिनरी सिटीजन, ठीक, डिस्गाइज किया जाता है एक ऑर्डिनरी सिटीजन बनकर। जैसे एक पॉलिटिशियन है, वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन बनकर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ट्रोल्स करता है दूसरे पॉलिटिशियन को, ठीक। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दूसरे के खिलाफ इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अ वेपन ऑफ चॉइस फॉर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लीडर टू शेप ऑनलाइन कन्वर्सेशन, ठीक। तो एक वेपन ऑफ चॉइस है गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो, एंड पॉलिटिकल लीडर टू सेफ ऑनलाइन कन्वर्जेशन। ऑनलाइन कन्वर्जेशन के लिए भी पॉलिटिकल लीडर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे फेसबुक वगैरह पे क्या होता है, एक पॉलिटिशियन ने, या ट्विटर वगैरह पे क्या होता है, एक पॉलिटिशियन ने किसी के खिलाफ लिखा, फिर वो पॉलिटिशियन जो है उसका जवाब देता है, फिर उसके जवाब में नए जवाब आते हैं, दूसरे पॉलिटिशियन भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में, ये सारी चीजें यूज की जाती है। जैसा कि इसका इस्तेमाल आम नागरिकों के रूप में छिपे ट्रोल और बॉट्स के उपयोग के माध्यम से राजनीतिक हेर फेर के लिए किया जाता है, तो ये राजनीतिक हेर फेर के लिए किया जाता है। गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, लोगों के खिलाफ बोला जाता है, राजनेताओं के खिलाफ बोला जाता है, ठीक। जैसे ट्विटर वगैरह पे एक मतलब उनके खिलाफ बोला, फिर वो जो है, जो राजनेता है जिसके खिलाफ बोला गया है वो फिर उसका जवाब देता है, फिर नए राजनेता भी उसमें जुड़ जाते हैं। एक तरह से ये मतलब एक बातचीत का एक आकार बन जाता है। सरकारों और राजनीतिक नेताओं के लिए ऑनलाइन बातचीत को आकार देने के लिए पसंद का हथियार बन गया, ठीक। अब जो है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो एक पसंद का हथियार बन गया है राजनीतिक नेताओं के लिए या सरकारों के लिए। वो ऑनलाइन बातचीत उसी के थ्रू करते हैं। अगर किसी को सरकार के खिलाफ बोलना है तो वो ज्यादातर ट्विटर पे बोलता है, या यूट्यूब वगैरह पे बोलेगा, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे बोलेगा, ठीक। तो एक बातचीत का एक तरीका बन गया है, मनपसंद जो है हथियार बन गया, किसी भी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, किसी भी राजनेता के खिलाफ बोलने के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एडवर्टाइजर्स, फ्रॉम एडवर्टाइजर्स। तो
तो ये जो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं इन सबको, ताकि जो है उनके सामान का एडवर्टाइजमेंट होता रहे। ठीक, दिस कैन क्रिएट फॉल्स और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कंपेन दैट एम्स टू मैनिपुलेट वोट बैंक वोटर थिंक। सो एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब पार्टियां जो है अपने प्रचार के लिए क्या करती हैं, पैसे देती हैं, अलग अलग कंपनियों को पैसे देती हैं, जैसे फेसबुक को या मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पैसे दे दिए। अब वहां पे फेसबुक पे कोई आदमी था उसको पैसे दे दिया, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहा है, ठीक, या प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसको पैसे मिल रहे हैं इसलिए वो कर रहा है। हो सकता है वो खुद ही उसको वोट ना दे, जिस कंपनी का वो प्रचार कर रहा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो प्रचार कर रहा है, हो सकता है उसको खुद ही ना वोट दे, लेकिन चूंकि वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है इसलिए वो उसका प्रचार कर रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वोटिंग वोटर थिंकिंग को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक, इस कंपेन के जरिए वोटर थिंकिंग को मैनिपुलेट किया जाता है। विज्ञापन दाताओं से वित्तीय सहायता मिलती है। जो भी विज्ञापन दाता होते हैं यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वित्तीय सहायता देती हैं लोगों को, ताकि वो झूठे या लाछित विज्ञापन कर सकें। और इस अभियान के जरिए वो क्या करते हैं, जिसका उद्देश्य मतदाता सोच में हेर फेर करना होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, मतदाता सोच में हेर फेर करना होता है। जैसे किसी को पैसे दे दिए, अब वो पैसे लेकर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके गलत तरीके से प्रचार कर रहा है, या दूसरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा प्रचार कर रहा है जिससे मतलब वोट भी है, जो मतदाता की सोच है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजों ये सारे तरीके हैं जिससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए। दीज टैक्टिक्स में यूज बाय ऑफिशियल ऑफ फॉर इलेक्शन टू बूस्ट कंपेन सपोर्ट। अब ये टेक्नोलॉजी जो है अपने कंपेन को सपोर्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कंपेन करने के लिए लोग पॉजिटिवली भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे अब बहुत एक आदमी जो है हर जगह थोड़ी जा सकता है, लेकिन वो अपनी वीडियो बनाकर सारे लोगों तक पहुंचा सकता है। तो ये टैक्टिक्स भी इस्तेमाल ऑफिशियल के जरिए भी की जाती है इलेक्शन को बूस्ट करने के लिए, कंपेन सपोर्ट के लिए, आर बाई एनी आउटसाइडर एक्टर, ठीक, या कोई भी आउटसाइडर एक्टर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इन रणनीतियों का उपयोग चुनाव के लिए अधिकारियों द्वारा अभियान समर्थन को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, या एक बाहरी अभिनेता द्वारा किया जा सकता है। तो जो अधिकारी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कंपेन चलाता है वोटिंग के टाइम पे। ठीक, अगर कहीं किसी प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है या कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या करता है, कंपेन चलाता है कि सारे लोगों को वोट करना चाहिए, वोट आपका अधिकार है, इस तरह के कंपेन चलाते हैं, ताकि वोटिंग इलेक्शन को जो है बूस्ट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो है परसेंटेज में वोट पड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। कई तरीके से किया जाता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में। सच अ फॉरेन गवर्नमेंट सपोर्टिंग अ पॉलिटिशियन आर पार्टी दैट वुड बेनिफिट देम इंटरनेशनली। तो एक बाहर का एक्टर क्या कर सकता है, जैसे एक फॉरेन गवर्नमेंट है, वो किसी गवर्नमेंट को, किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो उसने ट्विटर पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, उसके लिए उसको लग रहा है कि अगर वो उसकी गवर्नमेंट बनती है तो इंटरनेशनली उसको फायदा होगा, इसलिए वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे ट्विटर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कोई भी, उस पर उसने लिख दिया उसके बारे में कि मैं जो है इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। देयरफॉर डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग पॉलिटिकल थॉट विद इन अ सोसाइटी। तो एक पॉलिटिकल थॉट जो है, एक सोसाइटी के पॉलिटिकल थॉट को मैनिपुलेट किया जाता है इसके जरिए। जैसे कि एक विदेशी सरकार द्वारा एक राजनेता एक पार्टी का समर्थन करना जो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभान्वित कर सकता है। तो एक विदेशी सरकार क्या करेगी, किसी दूसरे विदेश की सरकार को सपोर्ट करेगी, समर्थन देगी, एक या राजनेता को समर्थन देगी जो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसकी सरकार बनती है तो वो उसको फायदा पहुंचाएगा। इसलिए समाज के भीतर राजनीतिक विचारों में सीधे हेर फेर करता है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, समाज के जो भी विचार होते हैं उसमें सीधे हेर फेर होता है। ठीक, जो भी राजनीतिक विचार होते हैं उसमें हेर फेर होता है। जैसे अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री में जो उनके सिटीजन रहने वाले हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है, हमारी कंट्री के राजनेता ने उसको सपोर्ट किया है तो हमें इसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह से वोटिंग बिहेवियर यानी कि राजनीतिक विचार जो है इसे बदलते रहते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन इंडिया ये सब कल करेंगे हम लोग। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कल हम लोग ये लास्ट पार्ट करेंगे इसका, और कल ये यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे परसों से।